गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून एवरी वन दोपहर में तो जगने का ही टाइम होता है नहीं सर खाना खाने के बाद नींद आता है कम खाना खाया कीजिए मेरी तरह क्यों सर? क्यों सर है तुम लोग नहीं क्यों हंसा तुम लोग हम बोले कम खाना खाओ तो ये गलत है यार कोई अनफिट इंसान फिटनेस का ज्ञान नहीं दे सकता क्या ऐसा ऐसा मत किया करो यार चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो वेलकम बैक उन बच्चों को जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं एंड जो बच्चे पहली बार मेरे को देख रहे हैं वेलकम ऑल ऑफ यू आज आप अपने सीए इंटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो विच इज सब्जेक्ट ऑफ एडवांस अकाउंट्स एडवांस जैसा इसमें कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है मेरे को उसी को आपको अच्छे से ब्रश अप करके आपको एग्जाम के लिए रेडी करना है लाइफ के लिए रेडी करना है ये अकाउंट्स का का पेपर पेपर एज यू नो आपके ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर होता है मतलब तो द फर्स्ट एग्जाम जो इंटर लेवल पे आप लिखोगे वो कौन सा पेपर होगा अकाउंट्स का पेपर तो खुद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है एंड सीए एग्जामिनेशन में तीनों ही लेवल पर चाहे वो फाउंडेशन हो इंटर हो या फाइनल हो ये आपका फर्स्ट पेपर है तो इसकी इज्जत अलग इज्जत होती है मतलब इसको एक अलग दर्जे से देखा जाता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंट्स तो हमारे जिंदगी में होना ही चाहिए हम है ही है अकाउंटेंट बट वैसा नहीं है हमारा डोमेन बहुत वाइड है अकाउंट्स उसका एक पार्ट है क्योंकि अकाउंट्स के बिना बाद बाकी कोई भी चीज जितना भी आप काम करोगे अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो बाद बाकी कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वेरी इजी सब्जेक्ट पुराने के पहले जो सिलेबस चल रहा था मे चौबीस से जो पहले सिलेबस के दो सब्जेक्ट होते थे एक होता था अकाउंट्स ग्रुप टू पहले वाले को नॉर्मली अकाउंट बोलते थे दूसरे वाले को एडवांस अकाउंट्स बोलते थे उन दोनों सब्जेक्ट को क्लब करके 200 मार्क के सब्जेक्ट को क्लब करके थोड़ी चीजें हटा के उन्होंने एक नया सब्जेक्ट बनाया है एडवांस अकाउंट्स यानी बोलने के लिए सौ मार्क्स का पढ़ाई कर रहे हैं बट ये है डेढ़ सौ से एक सौ सत्तर मार्क्स का सब्जेक्ट अब इसको जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चा तो लास्ट में यही देखेगा ना सर एग्जाम में तो हमको 100 मार्क्स ही लिखना है आप भले ही बोलो 150 सौ मार्क का कंटेंट है बट हमको तो 100 मार्क्स से लिखना है अगर कोई बच्चा पुराने अपने भाई बहन से बात करेगा और वो सिलेबस कंपेयर करेगा तो उसको पता चलेगा द तो सिलेबस इज क्वाइट बिग पहले हम लोग बोलते थे इंटर लेवल पे सबसे बड़ा सब्जेक्ट है टैक्सेशन का सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दो सब्जेक्ट कंबाइंड इनटू वन बट अब उससे भी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स को बना दिया गया है एंड ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको अकाउंट्स के एक लेवल की नॉलेज इंटर तक कंप्लीट हो जाए सो so दैट फाइनल लेवल पे आपको सिर्फ इसको ब्रश अप करना पड़े नया थोड़े एडवांस चीजें सीखनी पड़े अदरवाइज आपका अकाउंट्स का बेस बहुत अच्छा क्लियर कर देगा वो इंटर लेवल पे तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है ग्रुप वन का इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज किया वो ये किया ग्रुप वन को काफी डिफिकल्ट कर दिया ग्रुप वन में तीन सब्जेक्ट है बोलिए कौन से एडवांस अकाउंट्स लॉ एंड टैक्सेशन हम ये बिलीव करते हैं अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको शिद्दत से कर रहे हो एंड यू नो इन एंड आउट ऑफ इट तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आए हो तो आपको पता है सीए इंटरमीडिएट क्या है

मार्क्स वाइज नहीं बोलूंगा कंटेंट वाइज बोलूंगा टू इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब हमको घुमा के फिरा के वही रूल्स पढ़ना है वही लॉ पढ़ना है जो हम लॉ और टैक्सेशन के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इनकम टैक्स खुद एक लॉ है जीएसटी खुद एक लॉ है कंपनीज एक्ट खुद एक लॉ है तो वो सब्जेक्ट तो आप लॉ पढ़ ही रहे हो अकाउंट्स में भी आपको लॉ ही पढ़ना है आपको रूल्स ही पढ़ने हैं विच आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग तीन सौ मार्क्स का पूरा का पूरा ग्रुप लॉ पर बेस्ड है और ये 300 मार्क के तीनों के तीनों सब्जेक्ट अपने आप में बड़े सब्जेक्ट हैं। एज compared टू दिस अगर आप ग्रुप टू में जाओगे ना ग्रुप टू में आपके तीन सब्जेक्ट आएंगे बोलो क्या क्या कॉस्टिंग ऑडिट एंड एफ एम एस एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो तीन सब्जेक्ट आपके पास है ना इनमें दो सब्जेक्ट तो पूरे प्रैक्टिकल है कॉस्ट एफ एम एस एम देर आर नो लॉ और रूल्स बेस्ड थिंग्स ये ये एकदम आपके रियल लाइफ सीनारियोस के ऊपर चलते हैं जो रियल लाइफ में आपको काम करते समय यूज करना है तीसरा सब्जेक्ट है ऑडिट जो आपका डोमेन है एक्चुअली बोलते हैं अकाउंटेंट्स आर मेड फॉर ऑडिट 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 अकाउंटेंट का द मोस्ट डोमेन इज टू बी आजकल audit के साथ साथ टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जिस पर हम काम कर रहे हैं फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जिस पर चार्ट अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं बहुत वाइड डोमेन है बट ऑडिटिंग इज कंसिडर्ड एज दी हर्ट या मेन डोमेन फॉर चार्ट अकाउंटेंट्स मार्क्स का ग्रुप टू है अगर कंपेयर करोगे ना ग्रुप वन और ग्रुप टू को ग्रुप वन में अगर से फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड क्लासेस है हंड्रेड परसेंट को हंड्रेड क्लासेस बोल रहा हूँ ग्रुप टू में वही कंटेंट साठ क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा मतलब ग्रुप टू कंपैरेटिवली छोटा है एंड ग्रुप वन कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है जो कवरेज का टाइम ज्यादा लगता है वो ग्रुप वन में लगता है एक बार ग्रुप वन रेडी हो गया ना ग्रुप टू उसके बाद फटाफट 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 रेडी हो जाता है मैं किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कॉस्ट है पढ़ाई करते समय तो आपको आपको सब पढ़ने का टाइम वो ग्रुप वन के सब्जेक्ट में काफी ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू ग्रुप टू पेशेंस का बात होता है पेशेंस जैसे जैसे हम लोग अब दुनिया में जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की हमारा जो रिटेंशन तो जो फोकस रिटेंशन टाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक देर में कितनी देर आप फोकस कर सकते हो एक टाइम में वो बहुत छोटा होते जा रहा है पहले हम लोग मूवीज तक देख सकते थे पूरी महाभारत महाभारत के एपिसोड चलते थे लोग महाभारत के एपिसोड बैठ बैठ के देखते थे दिन में दस दस घंटा महाभारत देख सकते थे फिर टाइम आया दो 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 ढाई ढाई घंटे में मूवीज बननी शुरू हुई फिर अब टाइम आ गया बोलो वेब सीरीज का जहां आधी आधी घंटे का एपिसोड है उसके बाद हम झेल नहीं पाएंगे और उसके बाद अब टाइम आ गया रील्स का एक मिनट के अंदर जो बोलना है बोलो उससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है जब हमारा इतना फोकस रिटेंशन टाइम कम होते चला जाता है ना हम एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ाई में भी कौन कितना जल्दी हमको सिलेबस कंप्लीट करवा के देगा जो जितना जल्दी सिलेबस खत्म करा रहा है वो उतना अच्छा पढ़ा रहा है इसका पैरामीटर एग्जाम के दिन समझ में आएगा वो तो हम एग्जाम के दे के आओगे ना फिर पूछेंगे बताओ बेटा कम क्लास लगी उसमें कैसा रहा और ज्यादा क्लास लगी उसमें कैसा रहा तो यू विल सी द डिफरेंस हाउएवर हमारा वो फोकस रिटेंशन टाइम कम होने के कारण हमको हर चीज ना बहुत जल्दी चाहिए सर ने एक बार कॉन्सेप्ट बोला हमको समझ में कैसे नहीं आया अरे सर हमको तो एक बार में समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है हम लोग कुछ चीजें जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक वेब सीरीज देख रहे हैं इंडलजेंस के साथ देखते हैं मतलब एकदम घुस जाते हैं ऐसे वो मेरे लाइफ के साथ हो रहा है कोटा फैक्ट्री तुम देखे हो ट्वेल्थ फेल भी तुम देखे हो तुम्हारे डोमेन से कोई रिलेशन नहीं है बट तुमको ऐसा लग रहा है वो तुम्हारे साथ ही हो रहा है वो है ना सर वैसा वैसा हमारे साथ हो रहा है ऐसा लगने लगता है तो जब पढ़ाई करते हैं तो वो इंटेलिजेंस हमारे अंदर होनी चाहिए वो होने से ना पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और साथ ही साथ थोड़ा सा तड़का जो हम लोगों को लगाना पड़ता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोग करते हो डबल मीनिंग बात वगैरह हमको तो आता नहीं है मेरी हर बात का एक ही मीनिंग रहता है तुम क्या समझते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है जैसे ये हो सकता है एक समझे ये वाई समझे ये जेड समझे ये तो इनकी इनकी समझ पर है कौन क्या समझेगा हम हमेशा एक ही मीनिंग से बात करते हैं जो एकदम स्पष्ट होता है सीधा होता है बच्चा क्या समझता है वो बच्चा जाने तो इस सब चीज को मिक्स करके आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है बिकॉज यू आर इंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट योर इंटर लेवल्स आप पहली बार इसका एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक बहुत लंबी जर्नी है ऐसे तो टाइम वाइज बहुत छोटी जर्नी है आप अभी शुरू कर रहे हो आपका एग्जाम कब है आपको पता है मे 2025 और मे के बिगिनिंग में एग्जाम हो जाता है अभी नया रूटीन के हिसाब से 10 तारीख 11 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा मे के बिगिनिंग में मान के चलते हैं तो तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इधर चार महीना ले लो और उधर जनवरी फेबर मार्च अप्रैल चार महीना ले लो ऐसे तो ड्यूरेशन आठ महीने का ही है बट ये ड्यूरेशन काटना और ये ड्यूरेशन को जीना थोड़ा सा बहुत टाइम लेंदी लगने लगता है लाइफ में जैसे ऐसे होता है ना सर कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सो रहे हैं दस मिनट सोचे सोएंगे एक घंटा हो जाता है क्योंकि हम चाहते हैं हम एक घंटा सोए बट वहीं पढ़ाई करने बैठ रहे हैं सर ऐसा लग रहा है एक घंटे से पढ़ रहे हैं बट अभी तक घड़ी पांच मिनट ही आगे बढ़ा है ये 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 ड्यूरेशन ऐसे ऐसे काम करता है वैसे ही ऐसे तो है ड्यूरेशन सिर्फ आठ महीने का पता ही नहीं चलेगा कब शुरू होगा कब खत्म होगा बट क्योंकि ये duration में बहुत मेहनत है आपको ऐसा लगेगा कि चले ही जा रहे हैं भाई खत्म ही नहीं हो रहा कब खत्म होगा ये क्योंकि आप आठ महीने की एक लंबी जर्नी शुरू करने जा रहे हो मैं ना इस लंबी के जर्नी के कुछ प्री रिक्विजिट एज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई बीन सी सीए कोर्स पास करके आपके सामने बैठा हूं एज अ स्टूडेंट मैं आज को पहले दिन में ही आपको यह बताना चाहता हूं कि इस जर्नी में क्या क्या प्री रिक्विजिट है जो एक बच्चे को फर्स्ट डे से ध्यान रखने चाहिए सबसे पहला और सबसे अच्छा पॉइंट इस जर्नी का ये जर्नी जिस दिन खत्म होगी उसके बाद से लेकर आज मेरे ये जर्नी खत्म हुई थी 2012 में आज चल रहा है 2024 मेरे को अभी भी लगता है कि मैं उस जर्नी में वापस जाके एक बार उस जर्नी को जी के आऊ जो भी आप छह महीना भी अपने तैयारी करोगे आप दौड़ भाग करोगे आप लोगों से मिलोगे आप क्लासरूम में जाओगे आप मजा करोगे हम लोग पार्टी करेंगे आपका ये लाइफ का सबसे बेस्ट सिक्स मंथ्स होने वाला है बट हम अपने दोस्तों से पूछते वो तो बोलते बहुत चाप है भाई चाप तो हर चीज में है आज हमको पहले पापा बोले थे टेन पास कर ले बेटा उसके बाद पढ़ने का दरकार नहीं है कर लिए बस

मैं तुमको बोल रहा हूं इसका लेवल इज एक्चुअल लाइफ का सिर्फ दस परसेंट एक्चुअल लाइफ में तुम्हारे दस रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी पैसा कमाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सैट्रा एक्सेट्रा अभी तुम्हारी सिर्फ एक रेस्पांसिबिलिटी है बोलो क्या पढ़ाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर उस सौ परसेंट की लाइफ में जाना है और उस उस आ, मतलब मैं तुमको बोलूंगा जंग को जीतना है तो यहां से तुमको वो प्रेशर लेना सीखना पड़ेगा बट ये प्रेशर इतना तुमको अच्छा लगेगा ना तुमको अगर तुम इंटरेस्ट से पढ़ोगे तुमको ऐसा पढ़ता था मेरे गुरु है सुदर्शन सर वो कैलकटा में ही पढ़ाते मैं उनसे अकाउंट्स पढ़ता था मैं हर दिन उनके नीचे की फर्स्ट बेंच पे बैठता था वो पोडियम पर बैठते थे ऊपर बड़े थे वो हम लोग छोटे हैं और हम लोग तो भाई भाई ये दोस्त दोस्त है तो वो पोडियम पे बैठते थे मैं हमेशा उनकी फर्स्ट बेंच पे बैठा अगर मैंने उनकी 200 क्लासेस की है ना हर 200 क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठा आज भी मेरे को हर एक दिन याद है मैंने जो उनके साथ उस टाइम पर गुजारा है ये जर्नी जर्नी काफी अच्छी जर्नी है मतलब इस जर्नी में जो होने वाला है तुम्हारे साथ तुम बिल्ली मतलब लाइफ में हर दिन सोच के हंसोगे सलाह उस दिन क्या बोले थे सर उस दिन ये किए थे हम लोग ये जिंदगी भर हंसोगे और प्रॉब्लम पता है क्या है ये जर्नी वापस घूम के नहीं आएगी तुम पास हो जाओ या फेल हो जाओ यह सेम जर्नी जो पहला छह महीने का जर्नी होता है ना जब फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करते हो यह जर्नी पूरे जिंदगी भर में घूम के नहीं आएगी तुम पास हो जाओगे तो फाइनल चले जाओगे फाइनल में चले जाओगे आर्टिकल शुरू शु, आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी तो वो जो जिंदगी का भसड़ है वो शुरू हो जाएगा सी एंटर और तुम अगर पास नहीं हुए तो तुम वापस क्लासरूम फोकस में नहीं आओगे। तुम 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 घर पे बैठ के ही प्रिपेर प्रिपेर ही प्रिपेयर प्रिपेयर हाँ, तो करोगे, करोगे। करके एग्जाम दोगे। तुमको डाउट हुआ, 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 प्रॉब्लम कोई तब यही जितना आज ना, वो तुम कभी भी नेक्स्ट टाइम नहीं जी पाओगे खत्म होगा पूछना मत कब होगा द डे वी लीव दिस क्लासरूम ये बहुत बच्चे बोलते हैं सर एक डेट दे दो आप जहां डेट मिलती है ना जहां डेट मिलती है ना क्लास खत्म होने की वहां उसके बाद बहुत रोना आता है नहीं तो अभी मेरे नीचे लास्ट टाइम वाले बच्चे हैं पूछना उनसे इनके साथ क्या-क्या हुआ डेट्स नहीं चाहिए सर आप बस पढ़ा के रेडी करो पास करवा देना सर दूसरी बार वापस ये किताब हम नहीं पढ़े तेरा ये मोटो होना चाहिए तेरा ये मोटो नहीं होना चाहिए हमको जल्दी खत्म कर दीजिए हम देख लेंगे क्या करना है तुम देख लोगे क्या करना है तो तुम देखते ही रह जाओगे क्या क्या, क्या करना है और हम करवाएंगे तो हम जो करवाएंगे वही एग्जाम में उसी तरीके से वैसे ही आएगा तो प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट दिक्स मंथ्स एंड लिव इट चेयरफुली हर दिन आओ तो क्लास में एकदम मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पर कि आज क्या हम वर्ड नहीं बोल पा रहे आज क्या बेवकूफी करेंगे सर हाँ तुम लोग का एक वर्ड होता है वो आज सर क्या बेवकूफी करने वाले हैं फिर आज हम लोग क्या करेंगे आज क्या नया पढ़ाई होगा आज दोस्त को क्या छेड़ेंगे आज किसको मारेंगे आज किसका बर्थडे है किसको लेटाएंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वो है अबे दोस्त को बोल रहे हैं बस अच्छा चला गंदा लड़का लोग ये लड़का लोग का सोच खराब है देखो हम बोल रहे हैं हम डबल वीलिंग नहीं भी चाहते तो ये लोग कर देता है हम गलत बात हम गलत बात करते ही नहीं है सुनना चेयरफुली छह महीने को जिएगा अगर आप चेयरफुली जिएंगे ना आधा जंग आप ऐसे ही जीत जाएंगे आधा जंग आधा जंग पहला जंग का पार्ट तो ये देख आठ महीने का टोटल टाइम है जिसमें पांच महीना साढ़े पांच महीना तो क्लासेस में ही रहना है तो मैं बोल सकता हूं सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ टाइम तो यहीं बिताना है अगर सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट टाइम यही बिताना है और रो रो के बिताओगे तो जिंदगी भर में नहीं कर पाओगे और अगर चेयरफुली बिताओगे आई चैलेंज फर्स्ट टर्म के बाद दूसरी टर्म एग्जाम में बैठना नहीं पड़ेगा तुम पहले तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम रोज जाएंगे और मजा से जाएंगे जैसे तुम लोग को जो बच्चे जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते हैं रोज बुलाया जाता है तुम जाते हो पट्टा बांध के मन हो नहीं हो जाते हो तो यहां वैसे नहीं आना है यहाँ जिस दिन मन ना हो स्टे एट होम शाम को बैकअप करना और जिस दिन आओ उस दिन मेक श्योर sure कि हम जा रहे हैं तो हम दो सौ परसेंट क्लासरूम में देके आएंगे कुछ भी हो जाए हम क्लासरूम में 200 सौ परसेंट दे के आएंगे अगर हम भैया के साथ ढाई घंटा सवा दो घंटा रहेंगे हम पूरा अपना वहीं पर फोकस देंगे हमको और कोई चीज के बारे में सोचना नहीं है द फर्स्ट प्री रिक्वेजिट ऑफ योर जर्नी इज प्रॉपरली डू योर क्लासेस प्रॉपरली डू योर क्लासेस में क्या होता है ना कुछ हिंड्रेंसेस आते हैं वो हिंड्रेंसेस है जो बच्चे क्लासेस वीडियोज में करते हैं सबसे बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग क्लासेस इज लाइव एट सेंटर मेरे को कोई पूछता है कि सर आपका गूगल ड्राइव ले ले मैं मना तो नहीं कर सकता बट मैं ये बोलता हूँ लाइव पॉसिबल है तो पहले लाइव लेना बोलता है नहीं पॉसिबल है सर हम नहीं आ पाएंगे इतना दूर फिर मेरे को बोलना पड़ता है तू ले ले भाई गूगल ड्राइव पढ़ बस बताते रहना क्या कर रहा है लाइव एट सेंटर इज द बेस्ट मोड पता है क्यों मेरे क्लास में एक भी जगह घड़ी नहीं दिखेगी और तुमको मैं मोबाइल फोन यूज करने दूंगा नहीं घड़ी तुम लोग पहनते नहीं हो बहुत कम मोबाइल फोन आने के बाद घड़ी यूज करना लोग कम कर दिए तुमको पता ही नहीं चलेगा कब दो सवा दो ढाई घंटा हो गया वही दो सवा दो घंटे का क्लासेस जब वीडियो में करना होता ना वीडियो में एक्चुअली साला एक लाइन दिखता है जीरो जीरो टू आर मिनट्स और वो लाइन एक रेस की तरह है कितना जल्दी खत्म करें एंड देयर स्टार्ट तो सर अगर लाइव एट सेंटर नहीं आ पाए तो लाइव ऑनलाइन क्योंकि लाइव ऑनलाइन में वो लाइन तो दिखेगा बट टाइम नहीं दिखेगा लाइव ऑनलाइन में टाइम कैसे दिखेगा कितना घंटा भैया पढ़ाएंगे तो लाइव ऑनलाइन में लाइन तो चल रही है बट उसमें टाइम नहीं दिख रहा है खत्म कहां होगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो वो कंटिन्यू करते जाना है मेरी साथ बट जैसे ही वो टाइम में टाइम फिक्स हो जाता है ना ढाई घंटे का क्लास है अब तुम्हारा दिमाग बोलता है देख ढाई घंटा है दो घंटे में सलटाना है किस स्पीड में चले एंड यहां शुरू होता है प्रॉब्लम इन प्रिपरेशन जिन बच्चों की क्लासेस बहुत अच्छे से की होती है उनको रिवीजन में कम से कम टाइम लगता है जिन बच्चों ने क्लासेस अच्छे से नहीं कर रखी है उनको रिवीजन में हर सब्जेक्ट का उतना ज्यादा टाइम लगेगा मतलब घुमा फिरा के एक नंबर ऑफ आवर्स है जो तुमको हर सब्जेक्ट में देना पड़ेगा अगर तुम क्लास में ज्यादा आवर्स दिए तो घर पे कम देना पड़ेगा अगर तुम घर पे ज्यादा आवर्स देना चाहते हो क्लास में कम देने से भी चलेगा फॉर चलेगापल कोई बच्चा बोलता है कि सर के पढ़ाने के बाद मैं तीन घंटे खुद बैठूंगा और पढ़ूंगा मैं बोलूंगा तू क्लास वन पॉइंट फाइव पे देख तीन घंटा जब तू दिमाग लगाएगा तेरे को सब समझ में आ जाएगा बट अगर कोई बच्चा ऐसा है सर जो पढ़ाएंगे बस उतना ही पढ़ूंगा उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है मेरे को दूसरी क्लास करनी है तो भाई दो घंटे की क्लास कम से कम दो घंटा तो अच्छे से कर तू उधर भी 1.5 कर रहा है और फिर पढ़ भी नहीं रहा है तो रिवीजन करते टाइम तेरे को उतना टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा विशेष सर्कल है और पूरे का पूरा खेला जो मार्केटिंग का आज के दिन क्लासेस को लेकर है ना सीए में वो सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स को लेकर है और बच्चा भी वही देखता है कौन कितना जल्दी खत्म करा रहा है टैक्स शुरू होता है अगस्त वीक में खत्म हो जाता है लास्ट डे पे बच्चा बहुत खुश खुशा डेढ़ महीना में, में एक सब्जेक्ट खत्म वो सब्जेक्ट बस उसी दिन खत्म तुमको अगर एक एक बार झूठ लग रहा है ना तुम अभी मेरे नीचे बच्चे बैठे टेस्ट दे रहे डायरेक्ट डिरेक्ट का उनसे पूछना क्या हाल है भैया बोलेगा बस पूछ मत कभी भी क्लास खत्म होना मतलब पढ़ाई खत्म होना नहीं होता है क्लास के साथ साथ पढ़ना पड़ता है तो आपके लिए जितना पॉसिबल हो सर अब तो हमने क्लासेस ले ली क्लासेस ले ली तो मैं यही बोल रहा हूं। का है, आपके पास है आप प्लीज उसके ऊपर ना हो आप सिर्फ ये इंश्योर करो सर मैं रोज सर के पास जाऊंगा सर आ रहे ना पढ़ाने तो तुमको भी आने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोग दोनों मिलकर आएंगे दोनों मिलकर पढ़ेंगे और दोनों मिलकर पास होंगे

बहुत रेयर सरकम में जब आपको लगे कि आज नहीं जाना होगा तभी बैकअप को हाथ देना है नहीं तो बैकअप यूज नहीं करना है बैकअप को पैकअप करके रखो नहीं करना है आपको मतलब ये एक तरीके से जहर जैसा है जहर जैसा दिया हुआ है खाना नहीं है दिया हुआ है तुम्हारे पास है बस खाना मत चले जाओगे डोंट यूज बैकअप क्यों वीडियो करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी है तो इसको भी क्यों वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हो इसको हमेशा लाइव करो इसका सबसे अच्छा फायदा ये होगा तुम्हारी हमेशा एक रूटीन बनी हुई रहेगी इस टाइम पे ये करना है इस इस टाइम टाइम पे पे ये 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 करना है, ये करना है 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 रूटीन से से चलने से ये फायदा होता है, आप टारगेट्स टाइम टाइम टू मीट कर पाते हैं अगर रूटीन से चलोगे तो वो टारगेट्स मीट हो पाएंगे तो पहला प्री रिक्विजिट मैंने बोला चीयरफुली पढ़ाई करना है दूसरा प्री रिक्विजिट मैंने बोला अगर लाइव एट सेंटर लिया है ऑनलाइन लिया है तो लाइव ही करना है इसको बैकअप में कन्वर्ट नहीं करना है तीसरा प्री पढ़ाई करना सिर्फ क्लास में पढ़ाई करने से नहीं होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं पहले सर जो पढ़ाएंगे पढ़ाने दो सर को सर जिस दिन सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद हम अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे दिस इज रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग रीजन बोल रहा हूं अकाउंट्स में चालीस चैप्टर टैक्स में बीस चैप्टर लॉ में पंद्रह चैप्टर कंटेंट इज यूज बड़ा कंटेंट है अगर तुम सोचोगे सर लोग सब पहली क्लास करा देंगे फिर हम बैठ के पढ़ेंगे क्या आपको लगता है जो आपने अगस्त तेरह तारीख को पढ़ा है तुम सितंबर तेरह छोड़ अगस्त बीस तारीख तक भी तेरे को याद रहने वाला है क्योंकि अगस्त बीस तारीख तक तुम इक्कीस बाईस लेक्चर कर लिया होगा अगर हर दिन तीन लेक्चर कर रहा है तो कितने लेक्चर करेगा इक्कीस इक्कीस लेक्चर पढ़ने के बाद पहले लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था इतना हमारा ह्यूमन कंप्यूटर ब्रेन अभी तक काम नहीं कर रहा है कभी भी अगर तुम सोचोगे कि सर पढ़ा देंगे फिर हम रिवीजन चालू करेंगे तुम कभी भी कोप अप नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट से और उस समय देखो क्या होता है रियलिटी बता रहा हूं जो समझ में आया उतना तो थोड़ा बहुत खुद रिवाइज कर लिए नहीं तो फिर तुम खोजते हो रिविजन वीडियो मतलब पहले क्लास किया उसमें टाइम दिया फिर उसके बाद रिविजन वीडियो का अलग टाइम दे रहे हो इतना टाइम रिविजन वीडियो को ही देना था तो क्लास के साथ साथ ही आधी घंटा पढ़ लेते तो रिविजन वीडियो देखने का नौबत

तो सर मतलब आप बोल रहे हैं रिविजन फालतू होता है मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर जन का अलग अलग सरकम होता है जो पहली बार पढ़ रहा है उनके रिविजन कोई काम का नहीं है और अगर आप पढ़ते पढ़ते रिविजन वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप खुद से प्रिपेयर करना ही नहीं चाहते हो आप सिर्फ बिसर हो रहे हो सर जो देंगे हमको वो करना है आप रिविजन वीडियो रेफर नहीं करोगे रिविजन वीडियो मेनली उनके लिए बनाए जाते हैं जो बच्चे एग्जाम दिए या फिर छह महीना पढ़ाई को हो गया अभी रिवीजन कर रहे हैं कुछ याद नहीं आ रहा है वो या जिनका एग्जाम हो गया पास नहीं हो पाए सेकंड टर्म के लिए तैयार कर रहे तो एक लंबा टाइम हो जाता है गैप उनके लिए रिवीजन वीडियो है ताकि उनको चीजें थोड़ी जल्दी याद आ जाए जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए रिविजन वीडियो नहीं है तो दूसरा चौथा प्री रिक्वेस्टेंट मैं बोलूंगा क्लास के साथ साथ पढ़ाई कर सर क्लास के साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो क्लास कब करेंगे सर क्लास में ही तो हमारा पूरा टाइम चला जा रहा है सर हम पढ़ाई कैसे करें मैं ये नहीं बोल रहा हूं दो घंटा पढ़ाए तो घर जाके दो घंटा पढ़ो दो घंटा पढ़ाए तो घर जाके पंद्रह मिनट बीस मिनट पढ़ना पड़ेगा जितना मैंने डिस्कशन किया एक बार उसको घुमा के देखना पड़ेगा और ये देखने का टाइम आपको पता है कब मिल जाता है जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हो और बैठ के बातें करते हो अगर ये पंद्रह मिनट आप सिर्फ कॉपी खोल के बुक खोल के एक बार घुमा के देख लो सर ने लास्ट क्लास ये डिस्कस किया था इसमें सर ने ये बोला था इसमें ये बोला था इसमें ये बोला था फिर जब मैं क्लास चालू करूंगा ना तुमको एकदम कनेक्टेड फील होगा कि यार कल ये पढ़े थे आज ये पढ़े थे सब समझ में आ रहा है वही अगर मैंने तुमको अब एक एक चैप्टर चैप्टर होगा क्लास का तुम पहला क्लास पढ़ाया तुम रिवाइज नहीं किए दूसरा क्लास पढ़ाए रिवाइज नहीं किए चौथा क्लास से तीसरा क्लास से तुम्हारा कनेक्शन टूटना शुरू हो जाएगा फिर तुमको वो चैप्टर खराब लगना शुरू हो जाएगा फिर तुम्हारा दिमाग बोलेगा छोड़ दे एक चैप्टर ऐसे कितनी बार छोड़ दे बोलोगे आप पूरे सिलेबस में आपको भी नहीं पता

जो कॉलेजेस में है वो दिन में तीन क्लास से ज्यादा अचीव करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है आप दिन में तीन क्लास की कोशिश करेंगे आपका क्लास कब से शुरू होगा से फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग कॉलेज है ग्यारह बजे से पहली क्लास शुरू करेंगे फिर आपका 11 बजे से पहला क्लास खत्म होगा से फॉर एग्जाम्पल एक बजे 1:30 से दूसरी क्लास शुरू होगी जो कंप्लीट होगी चार सवा चार बजे फिर आप घर जाएंगे आधी घंटा एक घंटा रेस्ट करेंगे फिर तीसरी क्लास करेंगे तीन क्लास आपको करनी है दिन में और फिर जो एक घंटा डेढ़ घंटा बाकी रहा उसमें रिवीजन या फिर कॉलेज में बैठ के थोड़ा सा कॉपी किताब खोल के पढ़ाई कर सकते हैं सर तो ले लेता है कॉपी यार लेने दो ना यार फिर मांग लेंगे हाथी तो जोड़ना है ये सब सीखना पड़ेगा हम लोग को इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी गधे को बाप बना लो अरे सर आपसे अच्छा कोई नहीं सर कॉपी दे दीजिए इसमें क्या है इसमें कौन सा बड़ा बात है आपको क्या लगता है हमारे बड़े बड़े लीडर्स लोग ये सब नहीं करते सब करते हैं डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सीखना पड़ेगा वो भी बट आप अगर कॉलेज में सुबह चार घंटे जा रहे हो और चार घंटे में आप पूरा चार घंटा सिर्फ बैठे हो कुछ करने हो देखो कॉलेज में तो पढ़ाई होता नहीं है मैं भी जानता हूं मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा कॉलेज में पढ़ाई होता नहीं है चार घंटे वहां बैठना है हमको तो चार घंटे में अगर घंटा डेढ़ घंटा हम यूटिलाइज कर लेंगे तब तो हमारा दिन का प्रेशर कम हो जाएगा और अगर नहीं करेंगे तो वही पढ़ाई दिन में करना होगा और वो प्रेशर कम नहीं होगा जब तुमको टाइम मिले पंद्रह मिनट आधी घंटा पढ़ाई करो जो भी कंपलसरी कॉलेजेस वाले बच्चे हैं वो तीन क्लास पर डे करेंगे रेगुलरली उनको एक दिन भी ब्रेक नहीं लेना है अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो कैसे चलेंगे तुम्हारा डिसीजन था मेरा डिसीजन नहीं था ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तुमको सल्टानी पड़ेगी आप संडे इवनिंग ब्रेक लीजिए संडे में कॉलेज नहीं होती सुबह से क्लास चालू कीजिए तीन क्लास कीजिए थोड़ा सेल्फ स्टडी कीजिए इवनिंग ब्रेक लीजिए अदरवाइज कोई भी दिन ब्रेक नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्मली क्लास करना चाहिए चार चार तुम कितना कर रहे हो तीन तीन और उसमें भी तुमको ब्रेक लगेगा तो तुम कितने लेट हो जाओगे तो जेवियर्स एडवांटेज बिकम्स डिसएडवांटेज वेन यू स्टार्ट स्टडिंग डिसएडवांटेज शुरू करेगा जिनकी इवनिंग कॉलेज है वह ये सेम रूटीन फॉलो करेंगे बट वो सुबह से स्टार्ट करेंगे वो सुबह सात बजे से स्टार्ट करेंगे ग्यारह बजे ये वाला क्लास करके फिर अपने कॉलेज जाके फिर घर जाएंगे तो उनको सुबह से स्टार्ट करना है जिनका कोई कॉलेज नहीं है द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सी ए इंटर जिनका कोई कॉलेज नहीं है उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है सबसे बेस्ट रूटीन होता है डे डे मंडे को 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 चार चार क्लास क्लास करूंगा तीन क्लास करूंगा तीन तीन थर्सडे फ्राइडे को चार सैटरडे को तीन संडे को, को, को एक या दो इससे क्या होगा सोच अगर संडे दो भी कर लेगा तो तू देखेगा वीक में हर दिन ऑलमोस्ट चार हो गया है मतलब तुम कंपटीशन से पहले ही आगे निकल जाओगे जिन बच्चों का कोई कोई कॉलेज नहीं है वो बच्चे दिन में चार क्लास करेंगे ऑल्टरनेटिव क्यों प्रेशर को कम करने के लिए और सेल्फ स्टडी का अपने लिए टाइम निकालने के लिए एक दिन चार करेंगे उस दिन होगा सेल्फ स्टडी पूरा नहीं हो पाएगा खाली होमवर्क कीजिए उस दिन जो क्लास का होमवर्क मिला जिस दिन तीन क्लास करोगे उस दिन शाम को बैठ के जो भी तुम्हारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के ऊपर तुम आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो तो जिन बच्चों की कोई कॉलेज नहीं है ऑल्टरनेटिव डे चारनेटिव डे तीन आप यह करोगे संडे को आप कम क्लास करोगे थोड़ा टाइम सेल्फ स्टडी को दोगे इवनिंग अपना फ्री रखिए एंजॉय कीजिए जो करना है तो अगर दो क्लास कंप्लीट करना है तो मैं बजे तक क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा संडे को उसके बाद दो ढाई घंटा तीन घंटा मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं उसके बाद इवनिंग में फ्री हूं मेरे को जो करना है कर सकता हूँ तो जेवियर्स वाले बच्चे संडे भी तीन क्लास करेंगे अदर देन जेवियर्स वाले बच्चे चार क्लास तीन क्लास इस तरीके से आप अपना रूटीन बनाइएगा बात समझ में आ रहा है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आती है कि सर क्लासेस के टाइम क्लैश करते हैं ये आपने क्लासेस डिसाइड की है हमने डिसाइड नहीं की ये क्लासेस आपने डिसाइड की सर हम लोगों को पहले पता नहीं था वो आपको पूछ लेना चाहिए था अकाउंट्स का एक ही टाइम होता है पूरे पूरे कोलकाता में अब कोलकाता में कोई अकाउंट्स लाइव कम पढ़ाते हैं तो अकाउंट्स का एक ही टाइम होता है दोपहर का ये पहले से पता है अगर तुम्हारा कोई और दूसरा ट्यूशन है क्यों तुम्हारा छूट रहा है तुम नॉर्मली बच्चे पुणे से क्लासेस लेते हैं बॉम्बे से क्लासेस लेते हैं दिल्ली से क्लासेस लेते हैं तुम उनके टाइम को इस टाइम के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो उधर ग्यारह बजे टैक्स हो रहा है सर इधर ग्यारह बजे हमारा कॉस्ट है वो तो तुमको इधर के हिसाब से चलना होगा तुम यहां के बच्चे हो तुमको इधर के हिसाब से रूटीन प्रिपेयर करनी है तो सर हम टैक्स कब करें तुमको टैक्स वीडियो ही करना पड़ेगा तुम जिद मत करो तुम लाइव के पीछे मत जाओ तुम नहीं सक पाओगे उधर से क्यों नहीं सक पाओगे वहां हफ्ते में सात दिन क्लास करनी है सात दिन क्लास करनी है साढ़े तीन घंटे तीन घंटे नहीं सक पाएंगे आप आपका यहां का रूटीन सब बिगड़ जाएगा वहां की रूटीन ऐसी इसलिए वहां कोई कंपलसरी कॉलेज नहीं होता यहाँ पे कंपलसरी कॉलेज है कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में जाना है ये छुट्टी वो छुट्टी ये फलाना ये ढिकना वहां पे नहीं होता है तो बच्चे पूरे दिन भर वही कर रहे हैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं हो सकता हर इंसान की रूटीन अलग होगी आप अगर ये सोचेंगे हम सारे क्लासेस को लाइन अप कर ले लाइव दैट विल बी इम्पॉसिबल आप कितना ही ट्राई कर लो आप नहीं कर पाओगे हाँ आप क्या कर सकते हो दो तो मैंने लाइव एट सेंटर कर लिया एक लाइव एट होम कर लिया एक वीडियो चल रहा है ये भी। यहां तक मैक्सिमम पॉसिबल है दो लाइव एट सेंटर दो लाइव एट होम सब मैं कर लूंगा मैं ही तीस मार आनू यह नहीं होगा क्योंकि लाइव क्लासेस का टाइम आप डिसाइड नहीं करते हो। कौन डिसाइड करता है टीचर और वो टीचर का टाइम आपके टाइम के हिसाब से सबके हिसाब से नहीं हो सकता तो आपको ये पहले दिन से समझ के चलना है इसको लेके रोना नहीं है इसको मैनेज करना सीखना है एंड हम लोग यही करना सीख रहे हैं कि हाउ टू मैनेज अवर कोर्स अवर लाइफ अवर मनी अवर वर्क यही हम लोगों को लास्ट में जाके काम आएगा तो किस तरीके से क्लासेस करनी है ये बात क्लियर है जिनकी कॉलेजेस नहीं है उनको और थ्री ऑल्टरनेटिव थोड़ा सा आगे रहोगे फायदा रहेगा जल्दी खत्म कर पाओगे देखो जो वीडियो क्लासेस है उनको अगर थोड़ा ज्यादा कर पाओगे से फॉर एग्जांपल हफ्ते में सात कर पाओगे तो वो थोड़ी जल्दी खत्म होगी तो तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर पाओगे लाइव अपने पेस में चलेगा बट वीडियो क्लासेस में तो हम अपने हिसाब से उसको चेंज थोड़ा कर सकते हैं अगर तुमको मिला है वीडियो क्लासेस जिसमें सत्तर क्लास है अगर हफ्ते में छह दिन करोगे तो ग्यारह वीक बारह वीक लगेगा सात दिन करोगे तो दस वीक में हो जाएगा अगर तेरे पास टाइम है तो जरूर यूटिलाइज करना क्लास जरूर करना बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक से ज्यादा क्लास नहीं कर रहा है वो कब करनी पड़ती है जब तुम पहले पहले तो सब बैकलॉग रखते हो बाद में एक एक दिन 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 में लॉ एक एक दिन टैक्स चार, एक 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 टैक्स कॉस्ट वो सब नहीं चलेगा हर दिन एक क्लास एक सब्जेक्ट का की दवाई की तरह खाओगे ना तो जड़ से बीमारी मिटेगी एलोपैथी खाओगे बीमारी जाएगी साइड इफेक्ट रहेगा एलोपैथी खाने की कोशिश मत करो चाटो गोली खा लेते ठीक हो जाएगी वो चाटो गोली अभी तो ठीक कर देगा फिर साइड इफेक्ट किडनी खराब करेगा किडनी मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कुछ याद नहीं आएगा रिविजन करते समय कभी भी हड़बड़ी मत कर रहा और लास्ट जो तुम नहीं करते हो जो मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे अगर आपने लास्ट तीन चार टर्म्स के रिजल्ट देखे होंगे द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग रीजन इन सीए एग्जाम्स ज ईस्टर्न रीजन अगर नहीं देखा तो आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है साउथ वेस्ट नॉर्थ एंड लास्ट में हम लोग क्यों हो रहा है क्या रीजन है सर क्या हो रहा है सर यहाँ के क्या टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते लास्ट में भांडा टीचर का ही फूटता है कुछ भी कर लो गाली तुमको देना है तुम टीचर को दे दोगे हम तुमको दे देंगे बात खत्म अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोनों भाग गए सर यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ के रिजल्ट अच्छे नहीं हो रहे यहाँ बच्चे क्या क्या हो रहा है सर ऐसा तो ओनली रीजन यहाँ के रिजल्ट अच्छे नहीं हो रहे इज यहाँ के बच्चे थोड़ा मेहनत करना नहीं चाह रहे मेहनत किसको बोलते हैं सुबह आठ बजे बच्चा निकलता है शाम को पांच बजे क्लास खत्म करता है फिर तीन घंटे लाइब्रेरी में पढ़ के फिर फिर घर जाता है नौ बजे वो तो मेहनत होती है बट ये मेहनत हर टाइम हर जन के लिए पॉसिबल नहीं होता तो सर हमको क्या मेहनत करनी चाहिए जो मैंने अभी बोला चार क्लास तीन क्लास एंड डेली जो पढ़ाई हो रहा है बस एक बार अच्छे से देखना इतनी मेहनत सबसे पहले दूसरा जो पढ़ रहे हो उसको चेक भी तो करो टाइम टू टाइम कि तुम्हारे पढ़ने के बाद तुमसे क्वेश्चन बन भी रहे कि नहीं बन रहे वो काम होता है मॉक टेस्ट का बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन लेवल पे भी हम पांच टेस्ट ले रहे हैं सात टेस्ट ले रहे हैं बच्चा दो टेस्ट दे रहा है जो सातों के सातों टेस्ट दे रहे हैं वो अपना एग्जाम निकाल भी रहे हैं और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं मतलब तो तुमको तैयार करवाने की कोशिश की जा रही है बट तुम अपने हिसाब से तैयारी करने के चक्कर में तुम बोल रहे हो छोड़ अभी मॉक टेस्ट देंगे तो पढ़ाई कब करेंगे अभी एक काम करते हैं पढ़ाई कर लेते हैं लास्ट में मॉक टेस्ट दे देंगे सर का तो सारा पेपर टेलीग्राम पे आ ही गया है लास्ट में बैठ के देंगे एंड वो लास्ट में बैठ के देना तुम भी जानते हो कैसा देना होता है या तो तुम दोगे नहीं या तुम दोगे तो हड़बड़ी में दोगे छोड़ना ये पेपर सारा इजी है देख लिया हाँ हाँ ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है खाली ये देखने से अगर पेपर हो जाता तो एग्जाम काफी इजी होता हम लोग लिख देते हाँ क्वेश्चन वन है सिंपल है यार देख लेना ऐसे होगा बी देख लेना वो फिर सौ में सौ दे देगा बाद बाकी आंसर वो देख लेगा कॉपी से या सर की बुक का नंबर लिखे आ जाना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलता है तो हम लोगों को मार्क्स कैसे मिलेगा जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे बट प्रेजेंट करना कैसे सीखेंगे जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे टू प्रेजेंट सबसे बड़ा बच्चे का, मजे का बात कोलकाता है बाद बाकी हर जगह मॉक टेस्ट के लिए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं तुम बोलो सर चार्जेस लिए जाते हैं इसीलिए हम लोग देते हैं तो हम लोग भी कल से चार्जेस चालू कर देंगे क्लास फीस हो चुका है अब मॉक टेस्ट के लिए पांच सौ रुपया पर पेपर चालू कर देते हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे तो घर में पैसा ही पैसा है कैलका में सारे टीचर आपको क्लासेस के साथ फ्री मॉक टेस्ट की सुविधा देते हैं तो आप देते नहीं है और जहां पैसा लिया जाता है ना दो हजार रुपया टेस्ट सीरीज डेढ़ हजार रुपया वहां बच्चे उछल उछल के जाते हैं चल भाई टेस्ट सीरीज हो रहा है या तो फ्री की अहमियत नहीं है तो हम उसको पेड कर दे तो हम भी पैसा कमा ले तुम भी टेस्ट दे दो या फिर अगर फ्री सर फ्री नहीं होता है सर हमारा टाइम इज दी कॉस्ट तो खुद आके एग्जाम देना शुरू कर देना और यहां पे सिर्फ हम लोग अकाउंट तैयार करने से नहीं होगा प्रॉब्लम कहां आ रहा है पता है पढ़ाई में मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स तो तैयारी करवा दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल नवनीत सर कॉस्ट पढ़ा रहे कॉस्ट तैयारी करवा दिए अब बच्चा लॉ पढ़ाया नहीं टैक्स पढ़ाया नहीं ऑडिट पढ़ाया नहीं एफ एम एस एम पढ़ा नहीं ये किसको पता है और प्रॉब्लम पता है क्या है पास करवाना है ना तो अकाउंट्स में साठ दिलाने से नहीं होगा हर सब्जेक्ट में पचास चालीस भी दिलाना पड़ेगा फिर को हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट देने होंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने से नहीं होगा यानी जो टाइम है उस टाइम को हर सब्जेक्ट में बांटना पड़ेगा सर तो हम लोग हर सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हैं क्या बिल्कुल करेंगे ना बट वो तुमको पार्टिसिपेशन लगेगा तुमको आना पड़ेगा तुमको बैठना पड़ेगा तुमको देना पड़ेगा और मेरा सबसे खराब बात पता है क्या है हम एक बात दूसरी बार नहीं बोलते पढ़ाने में दस बार बोलेंगे क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट को पांच बार समझाएंगे बट हम ये सब बातें दूसरी बार कभी नहीं बोलेंगे हम कभी तुमको नहीं रिक्वेस्ट करेंगे आके टेस्ट दो ये मेरा काम थोड़ी है ये काम किसका है तुम्हारा करियर किसका है तुम्हारा एग्जाम पास किसको करना है तुमको तो ध्यान भी किसको रखना है तुम हम आया थोड़ी है हले बेटा इधर आ जा बेटा सही से बैठ जा बेटा कुछ नहीं बेटा बेटा इट्स पढ़ाई करना है यू हैव टू स्टडी और उसके कारण तुम मेरे से बहुत बार गाली भी खाओगे गाली खा करके तुम ठीक हो गए बट हमको देना पड़ेगा गाली बट हम रिक्वेस्ट दूसरी बार कभी नहीं करेंगे पहला दिन समझा दिया दैट इज फाइनल हमको मॉक टेस्ट देने का है अगर इतना काम कोई बच्चा करता है ना वो सीए इंटर की जर्नी को 100 परसेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा आपके रिजल्ट में सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा जिस दिन आप एग्जाम दोगे और आपका रिजल्ट आएगा बट इतना मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा और वो भी चीयरफुली करना पड़ेगा विद अ स्माइल ऑन अवर फेसेस पचास में बीस भी आ गया तो हंसना पड़ेगा सर ये सारा कैसे हुआ सर पचास में पचास भी आ गया तो खुश रहना है भाई मजा आ गया चीयरफुल रहना है कि हाँ सर बीस आया नेक्स्ट टेस्ट में आपको तीस ला के दिखाएंगे अगर बीस से जर्नी तीस पचास की जर्नी को पचास से ऊपर नहीं ले जा सकते कम आए तो अच्छा है नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने का रास्ता है ज्यादा आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस से मर जाओगे तो एकदम नहीं डरने का कम आए कम आए सर बट हम टेस्ट देते रहेंगे फेल होते रहे बट हम टेस्ट देते रहेंगे ताकि उस दिन हम एग्जाम में जाके फेल ना मेरा सिर्फ एक सपना है इंटर लेवल पे हर बच्चा जो मेरे सामने पढ़ रहा है मेरे से पढ़ रहा है वो बच्चा पास होके एक बैच में निकले मतलब एक बैच ऐसा हो जिसमें एक 100 रिजल्ट देख सके हम लोग ये बच्चा भी बोले सर अमी पास हो गए चीज ये भी बोले ये भी बोले वो भी बोले वो भी बोले सब पास हो जाए वो सपना है वो अगर साकार करके दिखा सको तो दिखा दो तो। बट ये करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ तुमको नहीं हमको भी क्योंकि हम अगर रेडी नहीं करवाएंगे तो हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि तुम कर लोगे हमको तुमको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा बट पड़ हमारी तैयारी और तुम्हारा लेजीनेस ये नहीं चल सकता हमारी मेहनत और तो तुम्हारा भी एकदम डेडिकेशन होना चाहिए सर जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे हम आपकी हर एक बात मानेंगे और उस जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम जो बोलोगे वो हम एक बात माने हर एक बात मानेंगे तुम जो बोलोगे वो मानेंगे तुम रिजल्ट फेल हो ही नहीं सकते अगर तुम बात सुन के जाओगे ये कुछ प्री रिक्वेस्ट के साथ आप अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं सी इंटर की अभी आपकी हर सब्जेक्ट की एक आध क्लास या कोई सब्जेक्ट शुरू हुआ है कोई सब्जेक्ट शुरू होने वाला है डे वन से अगर ये सब करोगे ना तब तो तुम कोप अप कर पाओगे 30 दिन 40 दिन 40 ये सब नहीं करने के बाद अचानक से बीच में शुरू करना पड़ेगा ना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखो जो करूंगा डे वन से शुरू कर लूंगा ताकि बाद में जाके कभी भी प्रॉब्लम ना आए सर ने टेस्ट लिया पहले दस टेस्ट नहीं दिए ग्यारहवा टेस्ट से बोला छोड़ पहले दस दे देते फिर ग्यारह का सोचेंगे तुम कभी आओगे ही नहीं जो जनरली होता है इंटर की जर्नी में क्या होता है अगर किसी बच्चे का फर्स्ट क्लास मिस हो जाता है ना फर्स्ट क्लास वो बच्चा बोलता है यार इसका बैकअप कर लूंगा कल से लाइव क्लास जाऊंगा कोई कारण से उसका बैकअप उस दिन नहीं हो पाता है तो फिर सेकंड क्लास भी मिस होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास नहीं करेगा तो सेकंड क्लास में आ नहीं पाएगा अब वो सेकंड क्लास भी नहीं जाता है बोलता है बैकअप दोनों क्लास का करके एक साथ जाऊंगा पता है मेरी दस क्लास खत्म हो जाती है बच्चा चौथे क्लास में पढ़ा रहता है आप इस कंडीशन में मत जाइएगा ये कंडीशन सबसे खराब कंडीशन है बैकलॉग वाली कंडीशन इसको छोड़ के बाद बाकी सब मैनेज किया जा सकता है बैकलॉग नहीं मैनेज किया जा सकता इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ बैकलॉग तो सर बीमार पड़ गए तो उसके लिए पहले से ही रन रेट ठीक रखो कि अगर बीमार पड़ भी गए पहले से चार चार किया हुआ है दो तीन दिन क्लास नहीं भी कर पाए तो वापस नॉर्मली से आ जाएंगे पहले से ठीक रखो बाद में ठीक करने से नहीं होगा पहले दिन से वो ध्यान रखो कि ये भी हो सकता है मेरे साथ बीमार तो पड़ेंगे ही आठ महीने की जर्नी में एक आध बार बीमार पड़ेंगे आप जो पीजी में रहते हैं वो तीन चार बार बीमार पड़ेंगे ये क्या बोल रहे हैं खाना पीना रहना जैसे रहोगे जैसा खाना पीना मिलेगा वैसा ही तो तुम्हारा हेल्थ रहेगा जो घर पे रह रहे वो कम बीमार पड़ेंगे जो पीजी में रह रहे वो थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ेंगे और ये ट्रू फैक्ट है इसको डिनाई करने का नहीं इसको एक्सेप्ट करने का और इसके हिसाब से काम करने का कि भाई बीमार पड़ेंगे तो छुट्टी लेना पड़ेगा पहले से पढ़ लेते हैं बात समझा मैं क्या बोल रहा हूं इन सब चीजों को ध्यान रख के आप अपनी पढ़ाई और जर्नी चालू कर रहे हैं और विद अ सिंगल मोटो इतनी मेहनत करनी है कि जिस दिन एग्जाम दे उस दिन ऐसा लगे सला इससे अच्छा हम नहीं कर पाते आपको ये नहीं सोचना है कि हमको पास होना है आप सिर्फ ये बोलो इतनी मेहनत करूंगा कि एग्जाम के दिन ये ना लगे थोड़ा और कर लिया होता एग्जाम के दिन ये लगना चाहिए इससे बेहतर नहीं हो सकता था ये मैंने जो दिया मेरा हंड्रेड परसेंट है अब रिजल्ट जो आएगा जो आएगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं जिस दिन कोई बच्चा अपने मन में ये बोल देना कि मैं इससे ज्यादा और नहीं कर पाता मैंने अपना हंड्रेड दे दिया है फिर वो बच्चा फेल भी होता है ना तो वो उसकी गलती नहीं है उसको थोड़ा सा थोड़ा टाइम उसका खराब चल रहा है पर जो हंड्रेड दिया नहीं और वो एक्सपेक्ट कर रहा है पास हो जाएगा और नहीं होगा वो आदमी रोए तो नहीं आता फिर ऐसा लगता है ठीक रहा है दे बाद बाकी नहीं कर पाएगा आप हंड्रेड दीजिए पास हंड्रेड परसेंट आप हो जाएंगे क्या ये बातें आप लोग सबको ध्यान में रहेंगी ये बातें ध्यान रखिएगा वेन यू स्टार्ट योर सी ए इंटर जर्नी लंबा जर्नी है मजेदार जर्नी है ऐसा जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा और जिन टीचर से भी आप मिलोगे उनसे बेटर टीचर्स आपने लाइफ में कभी नहीं देखे कोई भी टीचर से आप मिल रहे हो हर टीचर अपने आप में एक नमूना है नमूना है हम बोल रहे हैं मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि ये आदमी भी ये कर सकता है बट वो आदमी भी वो किया हुआ रहेगा सीए हम लोग होते ही ऐसे हैं हम लोग लाइफ में हर चीज को मतलब हर थ्रिल को एक्सपीरियंस करने का मजा लेते हैं आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो आपका टीचर है आपको लगेगा सलाह मेरे जैसे ही तो आदमी बैठा है सामने we'll दो तीन दिन रुक जाओ we'll ये भी बोल सकते हो मेरे से बदमाश आदमी बैठा है सामने पर देखो हम भी तुम्हारे जैसे ही है तुम्हारा कोर्स ही पढ़ के आए हैं तो जो तुम्हारे अंदर ट्रेड्स है वही मेरे अंदर ट्रेड्स थे तभी हम सीए किए तो हम लोग दोनों एकदम सिमिलर रहेंगे डन है मेरा बात अब हम लोग ना इन सब जनरल बातों से उठ के स अकाउंट subject, subject accounts. Accounts का सब्जेक्ट जब अपने पढ़ाई करेंगे सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ये दी जाएंगी फाइव बुक्स बच्चे को लगता है इतना सारा किताब दे दिया पढ़ने से पहले ही डरा दिया आदमी पांच किताब कौन देता है इन पांच किताब में ना अगर आप खोलोगे किताब खोलना शुरू करोगे दो तो किताबें पूरी खाली है समरी बुक्स है समरी बुक्स एक किताब मैं पूरी क्लास में फिल कराऊंगा जब पढ़ाऊंगा मतलब आपको ना कॉपी में कोई नोट्स नहीं लिखना है नोट्स भी लिखना है इन्हीं बुक्स में क्वेश्चंस भी करना है और इन्हीं बुक्स में काम भी करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दो वॉल्यूम आपको मिलेंगे उन दोनों वॉल्यूम में ज्ञान भी उसी में है क्वेश्चन भी उसी में है कॉपी में कुछ लिखने का जरूरत नहीं एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन कॉपी में करने पड़ते हैं अदरवाइज पूरा बुक में होगा यानी आपको तीन चार पांच कॉपी नहीं मेंटेन करनी पड़ेगी कॉपी एक या दो में ही हो जाएगा जो काम करना है सारा बुक्स में करना है चैप्टर्स नोट्स, नोट्स so अलग से नोट्स ना निकालना पड़े आपका नोट्स एक जगह फाउंडेशन में समरी बुक थी वैसे ही कि आपका नोट सारा एक जगह पे है रिविजन करना है तो उसी एक चालीस पचास पेज की बुक से करना है फिर क्वेश्चन आप जो देखना चाहते हो वो देख लो तो हमारा ये इतना सारा बुक्स इसलिए है क्योंकि इनमें हम लोग पढ़ाई भी करेंगे नोट्स भी मेंटेन करेंगे समरी भी हमारा इसी में रहेगा खाली क्वेश्चन हमको चैप्टर्स के कॉपी में करने बाद की कॉपी में कुछ नहीं करना है आपको एक बुक मिलेगी मेन बुक जिसके अंदर हमारे चैप्टर्स रहेंगे चैप्टर्स मतलब जिनमें हमको क्वेश्चन आंसर्स करने पड़े प्रैक्टिकल सॉल्व करने पड़ेंगे से फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाना से फॉर एक्साम्पल ब्रांच की अकाउंटिंग करना वो सब चैप्टर्स है हमारे वो हम लोग एक पूरी की पूरी बुक आपको दी गई है मेन बुक जिसके अंदर चैप्टर्स के क्वेश्चन है दो बुक आपको दी गई है अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है और दो बुक आपको दी गई है समरी की एक समरी ऑफ चैप्टर और एक समरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर वाली समरी मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते फिल करवाता हूं आपको पहले से फिल की हुई रहेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी पूरा ए पढ़ने के बाद जो ए एस जिस वीक कंप्लीट होगा उसी वीक एक बार ए एस को रिवाइज करके आपको खुद से बनानी है मैं आपको पूरी बनी बनाई समरी का पीडीएफ में दूंगा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं फुलफिल्ड पूरा फुलफिल्ड मिलेगा बट मैंने क्या बोला पहला हमेशा रिवीजन किसको करना चाहिए बच्चे को खुद से करना चाहिए जब आप मेरी बुक से पढ़ के उन पॉइंट्स को वापस एक जगह पे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे अपने आप वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में छपना शुरू हो जाएंगे फिर आपको सिर्फ समरी बुक से ही पढ़ना है आपको बुक खोल के देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा समरी इनिशियली एक ए एस दो ए एस की मैं बनवाऊंगा मैं तुमको सिखाऊंगा समरी बनाते कैसे हैं एंड वंस यू अंडरस्टैंड समरी बनाते कैसे फिर इट्स योर टास्क कि हर चैप्टर सर बनाने के बाद हम अपनी समरी रेडी कर लें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जब इनिशियली पढ़ेंगे सौ क्लास में पढ़ेंगे ढाई सौ घंटे पढ़ेंगे जब रिवीजन करेंगे तो इसी ढाई सौ घंटे को आपको फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट में कंप्लीट करना है से फॉर एग्जांपल एक बच्चा टारगेट लेता है मेरे को पंद्रह दिन में अकाउंट्स कंप्लीट करना है हर पंद्रह दिन में हम हर दिन छह घंटा सात घंटा इफेक्टिवली पढ़ेंगे तो सौ एक सौ बीस घंटा आप पढ़ोगे तो दो सौ ढाई सौ घंटे का कंटेंट जब रिविजन करोगे तो सौ घंटे में करना है बट जब एग्जाम के पहले वाले दिन पढ़ना है तब तो तीन दिन में ही दो दिन में ही रिवाइज करना है दो दिन में तीन दिन में रिवाइज करना है तो तुम्हारे पास समरी होनी चाहिए नहीं तो तुम एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाओगे और सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स की नहीं एवरी सब्जेक्ट हैज टू हैव अ गुड समरी और वो भी अपने राइटिंग में लिखा हुआ अपने राइटिंग में लिखा हुआ समरी समझ में आता है दूसरे के राइटिंग में लिखा हुआ समरी समझ में नहीं आता है हमेशा अपने राइटिंग का समरी होना चाहिए तो अकाउंट्स में तो आप समराइज करेंगे ही लॉ टैक्स भी जैसे जैसे पढ़ रहे हैं एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका समरी अपने हिसाब से बनाते चले जाइएगा यही वो संडे का टाइम है जिस दिन आपको थोड़ा सा बैठ के अपना सेल्फ स्टडी करना है यही वो तीन तीन क्लास जिस दिन आप करोगे वो एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी टाइम देना है इसमें सबसे अच्छा होता है ग्रुप वर्क ग्रुप वर्क क्या होता है एक बच्चा लॉ को लॉ सब्जेक्ट को लेकर चलेगा एक बच्चा अकाउंट्स को लेकर चलेगा एक बच्चा टैक्स को लेकर चलेगा जिसको जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है लॉ वाला बच्चा लॉ की समरी बना के रेडी करेगा जो समरी वो बनाएगा उसको दूसरा बच्चा पहले रिवाइज करेगा समरी को अच्छे से पढ़ेगा और उस समरी को अपने कॉपी में लिखेगा उसका जेरोक्स नहीं करवाना है कॉपी में लिखना है अबे तेरे को बना बनाए मिल गया फिर भी तुम जेरोक्स करवाएगा तो तुम कितना बड़ा लेजी आदमी है सोच तुमको वो अपने कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिखना है प्लस जो तुमको लगता है चेंजेस होने चाहिए वो चेंजेस कर और अपने दोस्त को बता देख भाई मेरे को लगता है तुम ये तीन पॉइंट छोड़ा है अगर ऐसे करके हम लोग मिक्स करके थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो आपको पता है अगर हर आदमी एक चैप्टर की भी समरी बनाएगा ना पूरे अकाउंट्स लॉ टैक्स की एक एक ये 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 अकाउंट्स का एक ये टैक्स का एक एक चैप्टर चैप्टर टैक्स लॉ का एक चैप्टर फिर अकाउंट्स का चैप्टर टू टैक्स का चैप्टर टू लॉ का चैप्टर टू तुम अगर पूरी क्लास मिलकर मेहनत करोगे ना हर बच्चे को एक एक चैप्टर की समरी बनानी है बाद बाकी सारी समरी उसके पास पहले से होगी बट इतने लोग एक साथ मिलकर जब काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा एक तो केओस मचेगा इसीलिए हम लोग बोलते हैं इतना बड़ा ग्रुप काम नहीं होता आपको सब्जेक्ट वाइज चलना चाहिए तीन तीन दोस्त चार चार दोस्त मिलकर कि भैया हम लोग तीन दोस्त है तू अकाउंट्स का समरी देख मैं लॉ देखता हूं तू टैक्स देख जो बनाएंगे तीनों मिलके लिखेंगे डिस्कस कर लेंगे काम खत्म हो जाएगा समरी को डिस्कस करने से चैप्टर रिवाइज हो जाता है अगर कोई समरी तगड़ी, तगड़ी, तगड़ी बनी हुई है तो डिस्कस करने से चैप्टर रिवाइज हो जाता है बट वो बनाना पड़ेगा नहीं बनाए बिना नहीं होगा लास्ट डेढ़ दिन में आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा वन एंड हाफ डे टोटल बारह घंटे में अगर समरी नहीं होगी तो बारह घंटे में रिविजन नहीं होगा सोचते रह जाएंगे क्या पढ़ना है पढ़ नहीं पाएंगे तो ये पांच बुक आपको दी जाएगी आपको क्या करना है एक कॉपी मेंटेन करना है जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा ये कॉलेज कॉपी है छह सब्जेक्ट एक कॉपी में हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी होगी जीवियर्स में भी ये लोग ले यही ले जाते होंगे क्लासमेट वाला ले जाते हो डायरी छह सब्जेक्ट है बट वो जेवियर्स के लिए है यहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक कॉपी होना चाहिए कॉपी का साइज थोड़ा मोटा ही रखो 180, 200, 200 दो सवा दो पेज की कॉपी रखो सो दैट जल्दी से खत्म ना हो और नया खरीदना ना पड़े एक ही कॉपी में रहेगा तो मन भी रहेगा साला एक कॉपी में सब है मेरे पास छोटी छोटी कॉपी बनाएंगे कॉपी लग जाएगा तो आप एक पेज की कॉपी बनाएंगे अकाउंट्स के लिए कैलकुलेटर आपके पास रेगुलर रहना चाहिए पेन पेंसिल जो है रेगुलर रहना चाहिए बुक्स पांचों कैरी नहीं करनी पड़ती है मैं आपको बताता हूं कौन सा चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं बस उसी चैप्टर से रिलेवेंट बुक्स आपको कैरी करनी पड़ती है यानी बुक्स मैक्सिमम एक या दो अगर चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो दो बुक एक समरी बुक और साथ साथ मेन बुक और अगर एस पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ बुक आपको कैरी करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे धन्यवाद अब थोड़ा सा एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट हम लोगों को इंटर लेवल पे क्या दिया गया है वो समझते हैं सब्जेक्ट समझेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे सर पढ़ाने वाले हैं हमारा एडवांस अकाउंट्स का पेपर बताइए ना कितने मार्क्स का है बोलिए बोलिए पेपर वन है हमारा हंड्रेड मार्क्स का अब मैं इसका सब्जेक्ट का सिलेबस बता रहा हूं आप मेरे साथ ना नोट डाउन कर सकते हैं ऑन फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी में आप नोट डाउन दीदी डोंट यूज दिस कॉपी टूडे वी वोंट यूज वाइट कॉपीज ऑलवेज यूज रूल्ड कॉपीज

तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसे बैठ रही है तुम प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सब रूल्ड कॉपीज में जज करो हम ये व्हाइट कॉपी में लिखते है तो मेरा ऐसे जाता है मतलब हर लाइन जहां से शुरू करते हैं वहां कभी खत्म नहीं कर पाते हैं हमेशा लाइन टेढ़ा ही जाता है इसीलिए हम हमेशा हम यहां पर भी देखो हम हमेशा रूल्ड यूज करते हैं क्योंकि हम व्हाइट कॉपी में लिखेंगे तो हम कहीं और ही चले जाएंगे आंख बंद करके जैसे चलना होता है कभी आंख बंद करके चलोगे ना तुम सीधा लाइन में कभी नहीं चल पाओगे यू विल ऑलवेज वैसे ही वाइट कॉपीज में भी वैसे ही होता है डोंट यूज दोस कॉपीज मेरे अकाउंट्स का सब्जेक्ट ना दो पार्ट में बटा हुआ है देर आर टू पोर्शन पहला सेक्शन है सेक्शन वन जो सबसे बड़ा सेक्शन है जिसमें एक्चुअल में टाइम लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं अभी मार्क्स नहीं लिखाऊंगा कार में मैं नहीं चाहता गाली गलोच शुरू हो अरे इतना पढ़ाएंगे कुछ आएगा नहीं एग्जाम में वो तो सब गाली गलोच नहीं करेंगे हम लोग रियल लाइफ में सब काम आएगा जिस दिन जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए उस दिन हम ही याद आएंगे सिर्फ क्योंकि इंटरव्यू ऑफ आर्टिकलशिप में सिर्फ एक ही चीज पूछता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ एक ही चीज पूछता है मतलब अगर दस क्वेश्चन पूछेगा तो सात क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक दो क्वेश्चन टैक्सेशन एक दो क्वेश्चन ऑडिट पूछना जो तुम्हारा फ्रेंड लोग अभी इंटरव्यू दे रहे आर्टिकलशिप के लिए बोलेगा करके जाना भाई तो वो उस दिन भी याद आएगा तुमको नहीं पढ़ा हुआ जैसे बचपन में अकाउंट्स में चैप्टर्स होते थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता था उसको आंसर करते थे वो बड़े बड़े थे वैसे चैप्टर्स अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोलूं हमारे कितने ध्यान से टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स Institute of Chartered Accountants of India ने जो आज तक टोटल आज तक तक, बनाए बनाए हैं, हैं वो है, वन से लेकर थर्टी टू होता. होता पे रुकेंगे तो थर्टी टू होगा जिसमें थर्टी थर्टी वन थर्टी टू कभी भी कंपल्सरी हुआ ही नहीं वो हमेशा वॉल्यूनटरी था बाद में उनको हटा दिया गया तो तीन चला गया कितना बचा

फॉलो करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे प्लस वन परसेंट लेवल ऊपर चला जाएगा मतलब तो यहां पे जो सीखेंगे लॉजिक हंड्रेड परसेंट लॉजिक फाइनल में वापस काम आएंगे थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ थोड़ी सी रियलिटी के साथ और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको हम लोग बोलते हैं इंटर लेवल पे पढ़ना है, सताइस आपको सताइस के सताइस पढ़ने चैप्टर से रिलेटेड है वो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हम लोग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे उसको अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना ही नहीं वो चैप्टर्स में रूप में चला जाएगा सताइस में एक चला गया गिनते रहना हाँ फिर ए एस फोर्टीन

तो बता यहां कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं जो वॉल्यूम और वॉल्यूम टू ऑफ अकाउंटिंग क्योंकि तुमको पढ़ाना ही है सब बताना ही है तो ये भी बता देता हूं सर ये 21 एस है पढ़ने में समय लगेगा वेटेज क्या है सर इसका अगर 100 मार्क का टोटल पेपर है 30 मार्क्स आता है एमसीक्यू बचा कितना? सत्तर। सत्तर मार्क के सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो, तो बोल टोटल पेपर कितने का होगा वन हंड्रेड फोर्टीन का होगा हाँ या ना अगर 114 में मैं एमसीक्यू को मिक्सचर मानूं कि सब मिला के आएगा उसको छोड़ दो बैलेंस 84 मार्क्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 25 से 30 मार्क्स आएगा 25 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा MCQ में भी कुछ के क्वेश्चंस आएंगे बट जो बड़े क्वेश्चन आएंगे बचा 50 से 55 मार्क्स वो क्या आएगा वो आएगा चैप्टर्स वाले पोर्शन से चैप्टर वाले पोर्शन ऐसे तो आपको दिखेंगे कि एज कंपेयर टू ए एस थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा मतलब चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी बट आपको लगेगा हाँ वो इजी है हो जाएगा तो उसमें मार्क्स भी इंस्टीट्यूट ज्यादा दे रहा है हम लोग सोचे थे जब नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर देगा अगर 84 मार्क का टोटल है 42 टू 45 मार्क्स कर देगा और फोर्टी मार्क्स का सिर्फ चैप्टर रखेगा बट जो फर्स्ट एग्जाम हुआ मे ट्वेंटी में, में उन्होंने सिर्फ पच्चीस का बीस मार्क का ए पूछा बाद बाकी सिर्फ चैप्टर से क्वेश्चन वो स्टूडेंट के लिए एज पर अ स्टूडेंट अगर मैं स्टूडेंट होता मैं बोलता हूं वो फेवरेबल है क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंट्स में करने होते हैं ना हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं कि डेबिट क्रेडिट करना है प्लस माइनस करना है अच्छा लगता है वही जब लॉ बेस्ड हम लोगों को आंसर लिखना पड़ता है ना हम लोग उतने ज्यादा उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो तुम्हारे एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव वो खराब नहीं है वो अच्छा है बट प्रॉब्लम क्या है ए एस का पहला फोर्टीन मार्क का क्वेश्चन जो होगा वो कंपल्सरी होता है और वो पूरा ए एस से होता है यानी 84 में 14 मार्क्स का तो एस करना ही पड़ेगा बाद बाकी 70 तो कुछ और कर उससे मतलब नहीं है 14 मार्क्स का एस तो तेरे को मेंटेन आंसर करना ही पड़ेगा तो हम ये नहीं बोल सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कम वेटेज दे या छोड़ के चले जाए हमारे लिए सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूट का क्या पता जब सिलेबस बड़ा होता है प्रॉब्लम क्या पता है जिस दिन चाहे वो पेपर पैटर्न बदल देगा पेपर पैटर्न मतलब जो नॉर्मली हमको दिखता है ये इतने मार्क्स का आता है ये इतने मार्क्स का आता है ये इतने मार्क्स का वो कब बदल जाएगा पता नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना उसके पास देने के लिए दस ऑप्शन है अभी वो चार ही ले रहा है क्या पता नेक्स्ट दिन चार से आठ आठ ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले अगर वो ज्यादा ऑप्शन से क्वेश्चन देने लगा तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा तो जब सिलेबस बड़ा होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्या छोड़ के जाए क्या पढ़ के जाए तो हम बोलेंगे क्लास में जब पढ़ो सब पढ़ के जाओ एग्जाम के लिए तुमको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं बट वो अभी नहीं वो एकदम लास्ट में उसको हम लोग बोलते हैं गुरु ज्ञान वो एग्जाम से पहले देते हैं वो अभी दे देंगे तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे वो नहीं छोड़ते वो हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे इक्कीस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कितने मार्क्स का मैंने बोला बोल बोलते ट्वेंटी मार्क्स वैसे बीस से पच्चीस में ही रुक जाएगा बट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लिख के रखो तो सर चैप्टर्स कितने हमारी सिलेबस में अगर चैप्टर्स में हम आए आप मेरे साथ नाम लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये एक ए एस से रिलेटेड है जिसका नंबर है ए एस थर्टीन नंबर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कंपनी का पीएल बैलेंस शीट बनाना आपने बचपन में सुना होगा शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट वो शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट हमें सीखना है नंबर थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट यह भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री से रिलेटेड नंबर फोर बाई बैक नंबर फाइव इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नंबर सिक्स अमल गमेशन अमल गमेशन भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है ए एस फोर्टीन कंसॉलिडेशन कंसॉलिडेशन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है ए एस ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन तीन स्टैंडर्ड लगेंगे यहां पे, एंड लास्ट चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंग यह आपका पूरा सिलेबस है दो पार्ट में बांट देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड चैप्टर्स दोनों पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं सर आप पहले क्या पढ़ेंगे सारा एएस पढ़ेंगे फिर चैप्टर पढ़ेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे फिर एएस पढ़ेंगे बीच बीच में एक चैप्टर पढ़ेंगे दो एएस पढ़ लेंगे फिर एक चैप्टर दो एएस ऐसे करके हम लोग मिला मिला के पढ़ेंगे क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा लॉ बेस्ड है लॉ बेस्ड किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है सर अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट छोड़ के अब रूल बता रहे हैं क्या करना है जैसे बचपन में बोलते थे सेल्स हुआ है रिकॉर्ड कर लो अब सिखाएंगे सेल्स कब रिकॉर्ड करना है सर कब रिकॉर्ड करना है माल बेचा रिकॉर्ड कर लीजिए बहुत बार ऐसा होता है माल बेचते है, तो सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते और भी कंडीशन होती है सेटिस्फाई होनी चाहिए तुमको वो सब पढ़ाना पड़ेगा अब क्योंकि वो पूरा रूल बेस्ड है थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर थ्योरी थ्योरी लग रहा है अकाउंट्स बट अकाउंट्स है थ्योरी थ्योरी बचपन का अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट और अब जो अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है ये अकाउंट्स रिपोर्टिंग लेवल का अकाउंट्स है कि भैया अकाउंट्स पढ़ के हम लोग कैसे स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन देंगे और वो अकाउंट्स ना सिर्फ करने लेवल का अकाउंट्स वो तुमको अकाउंटेंट बनाएगा ये तुमको चार्ट अकाउंटेंट बनाएगा सर तो अकाउंटेंट चार्ट अकाउंटेंट अलग अलग होता है बहुत अलग अलग होता है दस हजार वर्सेस साठ हजार सत्तर हजार अस्सी हजार दो लाख पांच लाख दस लाख अकाउंटेंट हमारे भी तो नवीन क्लासेस में आपको क्या लगता है अकाउंटेंट तो होगा इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कोई तो हिसाब रखता होगा फिर तो अकाउंटेंट की सैलरी कितनी है सीए है क्या नहीं सीए नहीं, नहीं है हमारे यहाँ उतना पेचीदा काम नहीं है तो ही इज नॉट सीए इज एक्सपीरियंस्ड कितना देते हैं सर आप उसको से फॉर एग्जाम्पल हम बीस हज़ार उनको देते हैं तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बीस हजार में मेरे अकाउंट्स बना दोगे नहीं बनाएंगे सर फुल टाइम रखेंगे तो सर छह लाख रुपया कम से कम आठ लाख रुपया कलकत्ता के लेवल के हिसाब से छह लाख रुपया आठ लाख रुपया लेंगे क्यूं सर हम क्यों सर क्यों तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है तुम तो एक्सपीरियंस भी नहीं हो तुम तो सीख के सिर्फ चले जाओगे बनाने बिकॉज सर हम जो पढ़ के आए हैं ना सिर्फ आपका अकाउंटिंग नहीं देखेंगे उसके बाद कैसे इनकम टैक्स को बताना है कैसे मोदी जी को जीएसटी देना है सब हम करके दिखाएंगे आपको तुमसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते तुम आके जर्नल एंट्री मार के जाओ तो हम भी कर लेंगे और तुमसे अच्छा कर लेंगे हम तो तुमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे तुम क्योंकि नया नया सब कुछ पढ़ रखे हो लेटेस्ट तुमको सब नॉलेज है तो मेरा टैक्स कैसे बचाओगे ये बताओ तुमको अगर छह लाख का सैलरी देंगे सात लाख का टैक्स बचवा के देना होगा तब तो हम तुमको सैलरी देंगे नहीं तो सैलरी देने का क्या फायदा हुआ तुमको हम लोग अब जो अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं वो हमको चार्टेड अकाउंटेंट बनाएगा हम रिपोर्टिंग का लेवल सीखेंगे बचपन में हमने कौन सा लेवल सीखा था सिर्फ जर्नल लेजर क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा बस क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ ऐसे नहीं ऐसे दिखा सकते हैं क्या ये दिखाने से क्या दिखेगा ऐसे समझा देंगे तो अच्छा लगेगा ये दिखाएंगे तो स्टेक होल्डर खुश हो जाएगा यह सब भी सीखना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली तुमको यही काम करना है तुम जर्नल लेजर करने वाले नहीं हो अब जीवन में वो खत्म हो गया टाइम सीए बनने के बाद अगर कोई आदमी बैठ के जर्नल लेजर बना रहा है मतलब उसका देनमान खराब चल रहा है हम लोग कभी नहीं बनाएंगे तुम सर हम लोग तो ऑडिट करते तो जर्नल लेजर नहीं देखते कुछ नहीं हम लोग सब ऊपर लेवल का काम करते तो सर वो वो फिर सिखाते क्यों है वही सिखाएंगे नहीं तो अभी सब सब सभ कैसे सी एबीसीडी सीखे तभी ना तुमको पोयम आया राइम आया कर... सब तो बोलना सीख गए बिना एबीसीडी के पोयम सिखाते सीख जाते नहीं सीखते वो एबीसीडी था अब हम लोगों को पूरा का पूरा पोयम सीख रहा है और फाइनल में वो पोयम लिखना सीखना पड़ेगा कि तेरे को बोलेगा ये एक टॉपिक है लिख के दिखा पोयम एक ठो इस पर इंटर लेवल में सिर्फ पोयम लिखा हुआ है पढ़ के बताओ क्या होता है फाइनल लेवल में ये चीज पोयम को बनाना है बना के दिखा पोयम कैसे बनेगा ये ये डिफरेंस है बिटवीन द लेवल्स ऑफ योर अकाउंटिंग और हमको करना पड़ेगा तो बहुत बार ऐसे होगा कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना सर बोरिंग लगता है हमको अभी रूल है बोरिंग तुम जैसे देखोगे लॉ पढ़ोगे दो तो ढाई घंटे बाद छटपटाने लगोगे टैक्स की क्लास में डेढ़ घंटे के बाद छठ दिमाग खराब होने लगेगा अभी इतना सारा चीज एक दिन में नहीं याद होगा तुम करो क्लास अभी इनिशियल क्लास इजी इजी लगता है वो ऐसे ही पढ़ाते हैं जो तुमको अच्छा लगता है जैसे एक दिन चैप्टर के अंदर घुसोगे एक दिन में दस ठो बात बोल दिया सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है दस ठो खिचड़ी बन गया वो होगा आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा आप इस लेवल से उस लेवल को कंपेयर मत कीजिएगा करना पड़ेगा तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग मिक्स करके बात करेंगे एक चैप्टर पढ़ेंगे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे फिर दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद वापस एक चैप्टर पढ़ लेंगे ताकि हम लोगों को कभी जर्नी वैसी लगे ही नहीं कि यार खाली थ्योरी थ्योरी चल रहा है या खाली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल चल रहा है एक मिक्स होने से बैलेंस होता है उससे क्या होता है जब ये चलता है क्लास थोड़ा लाइट रहता है तो तब तक चैप्टर रिवाइज करने का टाइम मिल जाता है कि एक बार चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट कर दे तब तक सर दो ए एस कंप्लीट करेंगे मेरा चैप्टर कंप्लीट वो थोड़ा लाइट हो जाता है यहां तक बात क्लियर सिलेबस सबको क्लियर है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नंबर टू पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स हमारे एग्जाम का पेपर पैटर्न जो बच्चे ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं ना अभी कुछ दिन के लिए YouTube पे रहेगा फिर वो ऐप में लाइव होना अपने आप लग जाएगा ठीक है बिकॉज इनिशियली कुछ बच्चे वो पूरे अकस्टम्ड नहीं होते हैं तो अगर मैं पहले दिन से ऐप पे चालू कर दूं, हो सकता है कोई बच्चा क्लास ही ना कर सके इसीलिए पहले दो तीन चार दिन चलने दो स्मूथली फिर अपने आप ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा जब एक दो दिन ऐप में बैकअप देखना सीख जाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा लाइव क्लास कैसे देखते हैं जब तक वो देखोगे नहीं ऐप खोलोगे नहीं चलाओगे नहीं उसमें जाओगे नहीं लाइव कहाँ है ये कहाँ है तब तक थोड़ा सीखने में मुश्किल होता है इसीलिए पहले दो तीन दिन बैकअप देख लो कैसे चलता है वो समझ में आएगा तो लाइव भी समझ में आएगा कैसे चलेगा बहुत सिंपल सिस्टम है कुछ नहीं लॉग इन साइन अप का सिस्टम है साइन अप कीजिए सब कुछ अंदर दिखने लगेगा बेकार का झमेला मत कीजिएगा और कुछ प्रॉब्लम हो तो टीम से बात कीजिएगा खुद का दिमाग मत लगाइए खुद का दिमाग लगाएंगे आप ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स सिर्फ अकाउंट्स का ही नहीं अब हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा ही है पेपर आपका दो सेक्शन में आएगा सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन ए रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स का सर थर्टी मार्क्स एमसीक्यूज़ थर्टी मार्क्स पूरा का पूरा कंपलसरी सेक्शन है देर इज नो चॉइस पूरा कंपलसरी हर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा नहीं करके आएंगे सीधा मार्क्स जीरो हो जाएगा वहां पे और यहां पे जो एमसीक्यूज होंगे एक एक मार्क्स वाले नहीं होंगे मिनिमम दो दो मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज भी रहेंगे यानी एक केस स्टडी देगा उसके नीचे तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन देगा आपको वो केस स्टडी के बेसिस पे वो तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नहीं है नो नेगेटिव मार्किंग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब तुक्का मार के भी आ सकते हैं बिल्कुल एमसीक्यू छोड़ना ही नहीं है आए तो ठीक नहीं आए तो जो मन आए वो लिख के आ जाना मतलब गोला मार के आ जाना तुमको ओ एम आर शीट मिलता है ओ एम आर शीट ओ एम आर शीट बचपन में मिला था ना मैथ में वैसा ओ एम आर शीट मिलता है आपको उसमें पंद्रह खाचे दिखाई देंगे पंद्रह खाचे में आपको गोला करके आना है आया तो बिल्कुल ठीक पास वाला बताया तो ठीक नहीं बताया तो जो मन में आए वो करके आ जाना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक राइट हो गया तो दो मार्क्स फ्री का मिल जाएगा छोड़ के आएंगे तो दो मार्क्स जीरो है चिटिंग भी कैसे करते वो भी सीखेंगे हम लोग लाइफ में हर चीज जरूरी है भाई खाली सीधे बन के नहीं रहने का है हम सीधे रह गए टीचर बन गए तुम सीधे मत रहना ये ये हमारे आएंगे सब्जेक्टिव पोर्शन सर अच्छा हुआ टीचर बन गए कमा तो रहे ना ये सब मत 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 एनालाइज करो दुख हो जाएगा सब्जेक्टिव सेवेंटी मार्क्स ये सब्जेक्टिव सेवेंटी मार्क्स में सुन क्या होगा टोटल सिक्स क्वेश्चंस रहेंगे टोटल सिक्स क्वेश्चंस फोर्टीन मार्क्स इच टोटल सिक्स क्वेश्चंस फोर्टीन मार्क्स इच अब इसका बाइफर्केशन बताता हूं क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रहेगा चौदह मार्क का पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूरा एक क्वेश्चन चौदह का दो दो क्वेश्चन हो सकते हैं सेवन प्लस सेवन वैसे क्वेश्चन रहेंगे फोर्टीन मार्क का टोटल वो सेट रहेगा क्वेश्चन नंबर टू टू क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर एनी फोर आउट ऑफ फाइव आंसर एनी फोर आउट ऑफ फाइव टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल कितने क्वेश्चन हुए पांच पांच में आपको कोई भी चार आंसर करने हैं यानी टू थ्री फोर फाइव कर लो थ्री फोर फाइव सिक्स कर दो टू थ्री फाइव सिक्स कर लो जो भी आपको चार इच्छा है वो आप कर सकते हैं कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे यानी यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि टू थ्री में एक करना ही पड़ेगा फिर फोर फाइव सिक्स तीनों करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है तेरे को जैसे करना है वैसे कर कोई प्रॉब्लम नहीं ये हमारे पूरा का पूरा क्या ये हो गया फोर्टीन फाइव सा कितना होता है सेवेंटी सेवेंटी प्लस थर्टी हंड्रेड ये हमारे पूरा का पूरा पेपर पैटर्न रहेगा सर कोई क्वेश्चन के अंदर चॉइस आ सकती है क्या एक क्वेश्चन के अंदर चार मार्क का एक क्वेश्चन का चॉइस दिख सकता है थ्योरी क्वेश्चन का कोई चॉइस वगैरह दिख सकता है बट मैं बोलता हूं उसको भी मत लो आपका पांच क्वेश्चन में कोई विचार करना है आपको अगर किसी के अंदर और एक्स्ट्रा चॉइस आ गया तो और बढ़िया हमारे लिए और अच्छा है जैसे फाउंडेशन में पहले दिया करता था एवरेज ड्यूडेड अकाउंट करेंट में चॉइस एक क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहता था

का एमसीक्यू इज कंपल्सरी और चौदह मार्क का पहला क्वेश्चन इज कम्पल्सरी ये फोर्टी फोर तो आप छोड़ नहीं सकते छोड़ेंगे मार्क्स कट जाएगा इसके बाद जो चार बचा उस, उस जो पांच बचा उसमें कोई सब, कोई सा क्या कर रहा है चार है चार क्वेश्चन करना ये पेपर पैटर्न सिर्फ अकाउंट्स में ही नहीं है सिमिलर पेपर पैटर्न यूलो सी इन कॉस्ट सिमिलर पेपर पैटर्न यूल ऑल्सो सी इन लॉ सिमिलर पेपर पैटर्न यूल ऑल्सो सी इन ऑडिट जो पूरे पूरे सब्जेक्ट है अब टैक्स में क्या प्रॉब्लम है पचास पचास दो पार्ट है एफ एम में दो पार्ट है पचास पचास इसके कारण क्या होगा दो एमसीक्यूज अलग अलग दिखेंगे जैसे मार्क्स में थर्टी सेवनटी मतलब रहेगा बस वो अपने पोर्शन का थर्टी सेवनटी हो जाएगा क्योंकि उनमें दो दो सब्जेक्ट है तो वो दो दो सब्जेक्ट के हिसाब से थर्टी इंस्टीट्यूट ये मेंटेन करता है पचास मतलब पचास ऐसा नहीं है बोला पचास दे दिया सत्तर डी टी तीस आई डी टी जो बच्चा आई डी टी प्रिपेयर करके गया उसका तो काम कंप्लीट समझ में इंस्टीट्यूट नहीं करता बोलता है पचास मार्क्स मतलब हम पचास का ही क्वेश्चन देंगे आपको पचास ही लिखना पड़ेगा और जो चॉइस है वो आपको हर हर सेक्शन में चॉइस रहेगी तो हर पेपर का पेपर पैटर्न मोर और लेस आपको ये सिमिलर पेपर पैटर्न दिखाई देगा ये सब चीजें फर्स्ट डे से पता इसलिए होने चाहिए जैसे मैंने बोला यू विल बी एक्सपेक्टेड कि आपको इतना पता हो आप क्या करने जा रहे हो पासिंग मार्क्स सबको पता है क्या है छह पेपर है तीन तीन दोनों ग्रुप में तीन सो तीन सौ मार्क्स मिनिमम हर ग्रुप में कितना लाना है डेढ़ सो डेढ़ सो और हर सब्जेक्ट में कितना लाना है फोर्टी 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 यानी अगर तीनों में फोर्टी आ गया तो भी आप पास नहीं है फोर्टी 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 तो वन ट्वेंटी हुआ आपको मिनिमम कितना स्कोर करना है 150. तो इन ईच सब्जेक्ट को जो दोनों ग्रुप का एग्जाम एक साथ देते हैं दोनों ग्रुप का एग्जाम अगर आप एक साथ देते हो तो आपको एक सेट ऑफ की क्राइटेरिया मिलती है सेट ऑफ पे क्या होता है से फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट में पास हो फोर्टी 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 बट आपका टोटल बना वन फोर्टी क्या पास हो कि फेल हो अगर नॉर्मल 150 के हिसाब से बात करें फेल हो बट आपने ग्रुप टू भी दिया और ग्रुप टू में आपका आ गया 160, 160 वन सिक्सटी प्लस वन फोर्टी पास दोनों ग्रुप मतलब अगर ग्रुप वन में 10 कम भी था तो ग्रुप टू के एक्स्ट्रा मार्क्स को सेट ऑफ कर दिया जाएगा ग्रुप वन के लिए यानी मैं बोलू तो टोटल पास मार्क्स इज थ्री हो सकता है ग्रुप वन में एक ग्रुप टू में एक हो सकता है ग्रुप वन में एक ग्रुप टू में एक हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल चालीस तो होना ही चाहिए एक ग्रुप दे रहे हो तो पासिंग मार्क्स इज 150, दो ग्रुप दे रहे हो तो पासिंग मार्क्स इज 300, कोई, कोई फर्क नहीं बट आप कोई सा भी से 300 आओ आपको इंस्टीट्यूट पास कर देगा जैसे किसी ने ग्रुप टू में दो स्कोर किया ग्रुप वन में एक सौ बीस स्कोर किया बोध ग्रुप पास।, पास बट एक सौ बीस चालीस 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 होना चाहिए सर एक सब्जेक्ट में थर्टी एट हो गया तो ग्रुप फेल खाली आप पास, है। पास नहीं है तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम चालीस एक ग्रुप दोगे तो मिनिमम डेढ़ सौ दो मिनिमम तीन सौ अब तीन सौ कहीं से भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ये एडेड एडवांटेज है सर कैसे एडवांटेज लाना तो पड़ेगा ही ना तीन सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ करके ही लाए तो तीन सौ एडेड एडवांटेज इसलिए मैंने बोला ना ग्रुप टू इसी है ग्रुप टू में मार्क्स स्कोर अगर कर लेंगे तो ग्रुप टू ग्रुप वन का थोड़ा डेफिसिट भी रहेगा एंड ग्रुप वन में ना लॉ और टैक्स से पढ़ना शुरू करेंगे ना महासागर है स्पेशली इनकम टैक्स महासागर है कभी खत्म नहीं होगा <laughs> एग्जाम से पहले भी यही लगेगा काश थोड़ा दिन और टाइम मिल जाता नहीं होता है वो हम पढ़े हमसे नहीं हुआ तुम पढ़ोगे तुमसे नहीं हुआ आगे वाले से भी नहीं होगा क्यों वो सब्जेक्ट ही ऐसा बना हुआ है हजार चीज है बीस चीज से क्वेश्चन आएगा कौन सा बीस आएगा किसी को नहीं पता पढ़ना सब हजार पड़ता है तो बहुत डिफिकल्ट चीज है वो डिफिकल्ट थिंग है उसमें मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट ऐसे ऐसा नहीं है ग्रुप अगर फाउंडेशन की बात करूं कंपेरिटिवली अगर मैथ्स और इकोनॉमिक्स को उठाओ तो दोनों तो है सौ सौ मार्क के सब्जेक्ट बट तुमको भी पता है इको में मार्क्स सत्तर पचहत्तर आ जाएगा बट मैथ्स में वो सत्तर टालने के लिए दो पांच बार एकदम मेहनत टेस्ट वेस्ट दे के जाना पड़ेगा नहीं तो उसमें सेवेंटी नहीं आएगा मैथ्स में हर सब्जेक्ट का अपना मेहनत होता है कोई सब्जेक्ट में कम मेहनत से भी स्कोर हाई होता है कोई सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत में भी स्कोर नहीं आता है

तुम बाद में भी लो के चलेगा बट अपनी पढ़ाई को इतनी इतनी स्लो मत चलाना कि हम एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो हम दिन में एक एक दो दो क्लास भी करेंगे तो हो जाएगा अगर हर बच्चा तीन क्लास कर रहा है तो भलाई मेरा एक ही ग्रुप है हम भी हर दिन कितना क्लास करेंगे तीन कहीं मान ले पढ़ते पढ़ते समझ में आने लग गया अच्छा लगने लग गया नवंबर दिसंबर तक जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा तो पाएंगे नहीं तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा ही नहीं पाएंगे मतलब हमारा ये फोकस होना चाहिए भलाई मैं ग्रुप वन पढ़ रहा हूँ बट मेरा इच्छा है मैं ग्रुप टू भी में ही दे के कंप्लीट कर दूँ

अगर हर ए एस को एक चैप्टर मानू तो इक्कीस चैप्टर इक्कीस ए एस हो गए और फिर अलग से आठ चैप्टर वहां पे आपको दिख रहे हैं जिसमें कंसोलिडेशन अकेला तीन चैप्टर के बराबर है तो तो 21 प्लस भी गिनू तो कितने चैप्टर्स चैप्टर्स हुए 29 हर चैप्टर में मिनिमम तीन क्लास एवरेज में भी लगे चार क्लास भी एवरेज में लगे तो सौ क्लास तो टच होते हुए दिखेगा आपको तो बहुत बड़ा सिलेबस है नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा है पढ़ाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ क्लासेज आर टू इंश्योर कि बच्चा क्लास में पढ़े और क्लास में रेडी हो जाए बाद में घर जाके उसको रेडी होने के लिए वापस ना टाइम देना पड़े हम जितना टाइम देंगे उतना कम पढ़ना पड़ेगा हम जितना कम टाइम देंगे उतना तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा ये तुम फील करोगे डेढ़ महीने रुक जाओ हमारी बात होगी यहीं पे तुम फील करोगे कि सर सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया हमको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है वो चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है ऑल एंड डन इतनी बात क्लियर है आपको पक्का अब सर आप पहले क्या शुरू करने वाले हो देखो ऐसे तो पहले हमेशा बेसिक्स बच्चे को पढ़ना चाहिए बेसिक्स बट क्योंकि आप फाउंडेशन लेवल पास करके आते हो तो एक बेसिक लेवल की नॉलेज आपके पास अकाउंट्स की रहती है क्या बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज जो, जो मैं समझता हूं कि हर बच्चे को पता होना चाहिए एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल ड्रॉइंग्स ये सब पता होना चाहिए क्या होता है डेबिट क्रेडिट के बेसिक रूल्स जैसे एसेट एसेट को asset के रूल्स क्या है अगर एसेट को इंक्रीज करना है डेबिट करें एसेट को कम करना है क्रेडिट करें लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे डेबिट करें ये बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए थोड़ा बहुत अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट कि भैया क्या आउटस्टैंडिंग होता है क्या प्रीपेड होता है क्यों हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर किसी को इतना कॉन्सेप्ट पता रहता है ना तो वो अपने अकाउंट्स की जर्नी चालू कर सकता है क्योंकि कोई भी चैप्टर में जाएंगे ये बेसिक वर्ड्स आपको वहां दिखाई देंगे अगर वो बेसिक वर्ड्स क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम अगर वो बेसिक वर्ड क्लियर है हम लोग राइट अवे हमारी जर्नी चालू कर सकते हैं मैं फाउंडेशन लेवल पे जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं बीस क्लास अट्ठारह बीस क्लास बेसिक्स की लेता हूं जिसमें जर्नल लेजर वगैरह सब चीज के बेसिक्स इंक्लूडेड रहते हैं क्योंकि इतना क्लास हम लोग बेसिक्स फाउंडेशन में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वापस इंटर लेवल में जाके शुरू से शुरू नहीं करना जर्नल क्या होता है लेजर क्या होता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है बैलेंस शीट क्या होता है ये शुरू करेंगे ना तो सिलेबस तनतेज चला जाएगा तो भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है ना कि सर मैं चाहता हूं कि मैं एक बार सुनू बेसिक्स मैंने इंटर लेवल के लिए स्पेशल एट सेशंस रिकॉर्ड कर रखे हैं जो पूरे के पूरे बेसिक से रिलेटेड है जहां पर मैंने डिस्कस किया है एसेट एसेट क्या होता है डीपली घंटा घंटा के किया। के ऊपर ऊपर डिस्कशन डिस्कशन किया किया जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरे को ना वो एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस में थोड़ा माजरा रहता है वो बच्चे को एक बार वो सेशन जरूर देख लेने चाहिए दे आर नथिंग बट ब्रिज सेशन दैट इज ब्रिजिंग योर फाउंडेशन विथ योर इंटर लेवल

Outstanding, liability बोलो ना उटस्टैंड बोल सकते हैं हम लोग हम लोग हम बच्चों से तो नहीं बोल पाएंगे थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है मैं आपको पूछूंगा आप हंड्रेड परसेंट सही बताएंगे बट तो भी जिस बच्चे को ऐसा लगता है ना कि यार सर मेरे को ना वो बेसिक ब्रिज सेशन हमको करने है वो ब्रिज सेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं आर फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब आप कभी भी निकाल कर उनको कर सकते हैं बट उनको करने का सही तरीका पता है क्या है उनको लिखना विखना नहीं पड़ता है बैठ के सिर्फ सुनो मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊंगा मैं याद करूंगा क्या होता है मेरे को एक एक वर्ड रट लर्न बाय लर्न करना है कुछ नहीं करना है क्योंकि उसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे उनसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे वो तो सिर्फ ये है कि तुमको पता है कि नहीं पता जो इंटर लेवल पे बेसिक्स का दरकार है ना जो आपको मैं अभी इंटर लेवल में सिखाने वाला हूं वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन में सिर्फ बोल के निकला जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है क्योंकि फाउंडेशन लेवल में उससे ज्यादा आपके काम का नहीं होता बट इंटर लेवल में क्योंकि मेरा सिलेबस ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो सबसे पहले मेरे को समझना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं तो इंटर लेवल का जो बेसिक चालू होता है ना वो बेसिक्स चालू होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिक से बाद बाकी चैप्टर्स के लिए अलग से कोई बेसिक्स नहीं है क्योंकि ये बेसिक्स हम लोग फाउंडेशन लेवल से कवर करते हुए आते हैं तो इंटर लेवल में भी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे बट वो बेसिक्स क्या चीज का होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेसिक्स होगा बट मैं वापस बोल रहा हूं अगर किस बच्चे को भी ऐसा लगे कि नहीं सर मेरे को एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस भी समझना है आप जरूर वो सेशन देखिएगा हो सकता है आपको कोई एक चीज एक्स्ट्रा समझ में आए जो आपको आगे काम आए वैसे उन सेशन में जितनी चीज डिस्कस की हुई है ना वो सारा मेरे को पूरे सिलेबस में वापस डिस्कस कर रहा है से फॉर एग्जाम्पल वहां पर मैंने लाइबिलिटी में एक वर्ड डिस्कस किया है प्रोविजन मेरे को वो प्रोविजन वापस ए एस ट्वेंटी नाइन पढ़ाना पड़ेगा प्रोविजन डिस्कस करना पड़ेगा मतलब जो वो बेसिक्स में है ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस में डिस्कस नहीं होगा पूरा डिस्कस करना ही पड़ेगा तो हम लोगों को वो डिस्कशन करना ही है बट अगर किसी को इनिशियली लगे ना टू स्टार्ट मेरे को ये देखना है आप बिल्कुल देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं जहां से शुरू करूंगा वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि मेरे को वहां से आपको पढ़ाना शुरू करना है शुरू कर सकते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कल की क्लास से करें कल से करें सर अभी हम वो ज्ञान दे सकते हैं बट देंगे तो तुम बोलेगे छोड़िए हमको भी पता है कल करे सो आज कर आज करे सो अब आगे नहीं आता किसी को। पल में हो गई, फिर करेगा कब? सर हो गई तो पढ़ाई करने का क्या फायदा है एंजॉय करने दीजिए हमको ठीक है कोई बात नहीं मैं ऐसे ही दो पांच मिनट आपके साथ बात करता हूं लेट्स स्टार्ट सुनना मेरी बात एक वर्ड डिस्कस कर रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी ने सुन रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं क्यों होते हैं कौन बनाता है कैक को बनाता है किसको फॉलो करना होता है क्यों फॉलो करना होता है क्या इससे परपज सॉल्व होता है कि कभी किसी ने सुन रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो वर्ड है अकाउंटिंग दूसरा वर्ड है स्टैंडर्ड्स व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड्स भाई मेरा ये स्टैंडर्ड है भाई हम इससे नीचे नहीं जाएंगे एक स्टैंडर्ड वर्ड बोलते ना वेरी गुड सर एक लिमिट सेट कर देना एक तरीका सेट कर देना रूल सेट कर देना प्रोसीजर सेट कर देना कोई 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 आ, मैं कन्वेंशन सेट कर देना जिसके दायरे में रहकर आपको क्या करना है अकाउंटिंग करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिसको फॉलो करके अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपका जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है ना वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्यों करते हैं अकाउंटिंग बोलिए सीखे थे बचपन में अकाउंटिंग क्यों करते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हो वाई रिक्वायर्ड अपने मन से पूछो क्यों कर रहे हम अकाउंटिंग पोजीशन पता चलेगा क्या तेरे को पता करना है कि किसी को बताना भी है बताना भी है तो मैं ऐसे बोलूं कि हमारा अकाउंटिंग करने का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर हमारे शेयर होल्डर हमारे जो लेंडर्स है गवर्नमेंट है जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कम्युनिकेट करना सर हमने सीखा था बचपन में याद करोगे अगर शुरू से याद करोगे रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेटिंग पर हम लोगों को हमारे जो बिजनेस में हो रहा है जो जो घटनाएं हो रही हैं उनका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना पड़ता है हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को हमारे स्टेक होल्डर्स को जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बताना पड़ता है तो सर उनको बताने के लिए हमको हिसाब रखना पड़ेगा और सर वही हिसाब रखना अकाउंटिंग है तो आप जो उनको इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए सही होनी चाहिए हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं बचपन में याद करना ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर अभी ये सोचा है ट्रू एंड फेयर एक इंफॉर्मेशन को कब माना जाएगा आंसर इज ट्रू एंड फेयर तब माना जाएगा जब वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होगा आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाता है ताकि जब एंटिटीज अकाउंटिंग करे, जब एंटिटीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे, उनमें जो भी बातें लिखी गई हो वो सही फॉर्म सही आ, मैं स्टेट ऑफ अफेयर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिनको फॉलो करके अगर आप अकाउंटिंग करोगे ना तो आपका हमेशा अकाउंटिंग रिजल्ट जो है ना रिजल्ट वो सही इंफॉर्मेशन देगा आपके फाइनेंशियल यूजर्स को और हमारा ऑब्जेक्टिव वही है को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड को अगर दूसरे तरीके से समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो दीज आर स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन टू अवर अकाउंटिंग प्रॉब्लम हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं अब अकाउंटिंग करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें कब रिकॉर्ड करें किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें कैसे दिखाएं

तो हम लोग बोलते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अफेयर्स या स्टेट ऑफ ऑफ द एंटिटी का इसीलिए जब भी अकाउंटिंग करनी होगी आपको दायरा दायरा मानना पड़ेगा ये को मान के पूरा अकाउंटिंग करना पड़ेगा जो अकाउंटिंग इस दायरे के अंदर होगी वो तो सही रिजल्ट प्रेजेंट कर पाएगी जो इसके बाहर जाएगी वो उल्टा पुल्टा रिजल्ट देगी जो सही नहीं होगा जो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा इनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स Accounting standards जब नहीं बने थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में 90s के हर एंटिटी जैसे इच्छा वैसे कोई भी चीज को प्रेजेंट कर देता है फॉर एग्जाम्पल कोई एंटिटी सेल्स को रिकॉर्ड कर रही है जब उसको पैसा मिल रहा है कोई एंटिटी सेल्स को रिकॉर्ड कर रही है जब वो माल बना के रख ली कोई एंटिटी सेल्स रिकॉर्ड कर रही है जब वो माल बेची कोई एंटिटी सेल रिकॉर्ड करिए जब कस्टमर को माल पहुंचा हर एंटिटी अपने हिसाब से अलग 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 सोल्यूशन ताकि वो एक अपने तरीके से रिजल्ट स्टेक होल्डर को प्रेजेंट कर सके जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था कोई एंटिटी भी कुछ भी कर रहा है अब ये कोई भी एंटिटी अगर कुछ भी करेगा तो प्रॉब्लम पता है स्टेक होल्डर को होगी स्टेक होल्डर हम लोग जैसे लोग से फॉर एग्जाम्पल जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कमा के क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे अब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको देखना होगा किस कंपनी में पैसा लगाए अब वो कंपनी को देखना चाहेंगे तो कंपनी को देखने का एक ही जरिया उनके फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे अगर हर कंपनी का स्टेटमेंट अलग अलग रूल्स के हिसाब से बना हुआ होगा तो उनमें कंपेरिजन करना उनको देख कर एनालाइज करना बिकम्स डिफिकल्ट और अगर वो डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम डिसीजन कैसे लेंगे हमको कहा पैसा लगाना है और कहा पैसा नहीं लगाना है बिफोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेयर इन प्लेस हमेशा एंटिटीज़ अगर ऐसे होगा ना तो हम लोग अपने मार्केट में का जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट भरोसा इन्वेस्टर का भरोसा नहीं ला पाएंगे क्योंकि अगर इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो बेचारा पैसा कहां लगाएगा अगर हमको इन्वेस्टर का भरोसा चाहिए तो हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा प्रैक्टिस में अकाउंटिंग प्रैक्टिस में सो दैट इन्वेस्टर अपने हिसाब से पढ़ के डिसीजन ले सके यही सेम प्रॉब्लम अभी आई अभी 2012-13 से जब इंडिया ग्लोबलाइजेशन में बहुत आगे बढ़ने लग गया इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर होने लग गया बाहर के वर्ल्ड के सारे कंपनीज इंडिया में आके अपना धंधा कर रहे हैं बाहर वाली कंपनीज बोलती है इंडिया में आने से हम डरते हैं बोला क्यों डरते हो बोला एक तो गवर्नमेंट पहला गवर्नमेंट दूसरा ब्यूरोक्रेसी बहुत 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 मजाक करते हैं आप लोग कुछ भी कैसे भी कोई भी कर देते हैं और हमारे ऊपर कोई भी चार्ज कर देते हैं तीसरा अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी का लैक सब कुछ हो रहा है सब कुछ चल रहा है बट आप स्टेक होल्डर को सही सही चीजें बताते नहीं हो इसी के लिए तो अभी नए कंपनीज एक्ट के आने के बाद इंडिया में एक नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाना पड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं इंड ए एस क्या बोलते हैं इंड ए एस हमको पढ़ना है फाइनल लेवल पे बट एक बेसिक हमको इंटर लेवल पे पता होना चाहिए इंड एनडेएस क्या है और क्यों लाया गया इसलिए लाया गया क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आ रहे हैं ना फॉरेन इन्वेस्टर बोल रहे हैं हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेवल है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लेवल है आपके इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लेवल उसका दस परसेंट भी नहीं है हम अगर इंडिया में आएंगे और हमको वैसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे सॉरी क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है जब पता ही नहीं चलेगा तो पैसा डूबना ही है पैसा वापस आना नहीं है एंटिटीज ने बोला अगर आप चाहते हैं हम इंडिया में आए धंधा करें इंडिया की कंपनीज में पैसा लगाए आप सबसे पहले अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक कीजिए उन्होंने बोला जो पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चलता है वो स्टैंडर्ड चलता है आप वो स्टैंडर्ड्स को लेके आइए उनको हम लोग बोलते हैं आई एफ आर एस क्या बोलते हैं आई एफ आर एस उसको बोला कुछ हो गया तो थीक है। थीक है। बच्चा नीचे देख रहा था अरे कोई फोन वोन खो गया हम पूछे उससे कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत सीरियस रहता है जो हर चीज सीरियसली लेता है बंद कर दो तुम बहुत परेशान हो जाओगे मेरे से कुछ नहीं छोड़ो धीरे धीरे समझ में आएगा तो वो बोले आपको आईएफआरएस लाना पड़ेगा इंडिया में बोला, क्यों लाना पड़ेगा? बोला आपका जो वो रिपोर्टिंग हम खुश नहीं है हमको एकदम चाहिए ताकि हम अपना टाइम टू टाइम डिसीजन करके पैसा लगाना है नहीं लगाना है उठाना है क्या करना है हम कर सके। उन्होंने प्रेशर किया इंडिया पे आप आइएफर लेके आइए जो वर्ल्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो कीजिए इंडिया को फिर उसी आईएफआरएस को मद्देनजर रखते हुए उसी आईएफआरएस को बैकग्राउंड में रखते हुए अपना नया स्टैंडर्ड्स डेवलप करना पड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं इंड एस या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सर ये बार वाले प्रेशर करते हम लोग वैसे ही चेंज हो जाते हैं पैसा है ना पैसा बड़ो बड़ों को झुका देता है अभी अंबानी जी की शादी में कौन नहीं आया दो तो करोड़ का घड़ी गिफ्ट में मिलेगा हम तुम चार बार जाके आएंगे भेज बदल के दो करोड़ का घड़ी दिया भाई ऐसा क्या घड़ी होता है मेरे जैसा आदमी घड़ी कहीं भी छोड़ देता हो तो पागल हो जाएगा तो दो करोड़ का घड़ी चला गया भाई पॉकेट में पांच सौ रुपया रखो बट दो करोड़ का घड़ी पहनो सच में वो दो करोड़ का घड़ी है कौन से ब्रांड का घड़ी है क्या हाँ मिलता है वो इंडिया में नहीं मिलता होगा बाहर से आता है हा? वेटिंग पीरियड होता है दो करोड़ रुपया देके वेट करना होगा साला ये हम लोग का भारतीय एटीट्यूड नहीं समझेगा वो लोग हम लोग यार रेस्टोरेंट में जाते हैं ना पैसा देके खाएंगे खड़ा क्यों रहेंगे हम लोग भाई अलग आदमी है साला दो करोड़ में वेटिंग पीरियड वो अंबानी जी थे बोल के मान गए मेरा जैसा आदमी होता बोलता या तो कंपनी बेच पहले हाँ उसको तो वो लेगा भी तो हजार ठो बोलेगा हजार टो बोला कितना बोला हमारा साल में नहीं बिकता है बोला एक बार में भेज याद तो भी है भाई वैसे तुम लोग बता दे मेरे दोस्त है काफी अच्छे मित्र है मेरे मुकेश जी हम मानी काफी अच्छे दोस्त है बस वो मेरे को पहचानते नहीं है पास में जाते तो बोलते आप कौन ठीक है पर हम उसको मन से दोस्त मान रखे हैं ठीक है नहीं नहीं बुलाया ना हमको बुलाए थे आप जामनगर में मेरे को देखे हो गए जकूसी में नहा रहे थे देखे थे जकूजी में नहा रहे थे बस वो हम ही थे हमको नहला रहा था अनंत, नहीं देखे आप लोग बस हम वही थे बहुत हंसी ना मेरा मजाक उड़ रहा है तो हंस रहा है याद रखना ये बात ठीक तो इसीलिए इंडिया में नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाना पड़ा जिसको एनडीएस बोलना शुरू किया हम लोग तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेलिवेंस ये स्टैंडर्ड्स नहीं बने हो और एंटिटी अपने हिसाब से अकाउंटिंग अकाउंटिंग अपने हिसाब से प्रॉब्लम्स को करेगी तो हर एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम ही चीज के लिए अलग 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 इंफॉर्मेशन आपको देता रहेगा उसको खत्म करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी होता है इंडिया में ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम है गवर्नमेंट ने सौंप रखा है हमारी इंस्टीट्यूट आईसीआई और ये बहुत गर्व इतने इतने आईसीआई बना खुद बनाता था और खुद ही इश्यू करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बोला आईसीआई को ज्यादा पावर देने से होगा नहीं वो थोड़ा थोड़ा पावर आईसीआई का छीनने लगा बोला बनाओ तुम सोचो तुम मेहनत तुम्हारी सारी तुम्हारी कब लागू करना है किस पर लागू करना है कैसे लागू करना है ये हम डिसाइड करेंगे तो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू किया जाएगा आईसीआई सिर्फ एएस बनाएगा उसको लागू करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईसीआई के साथ हाँ निर्मला ताई आईसीआई के साथ गवर्नमेंट की एक बॉडी काम करती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाफरा एन एफ आर ए नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी पहले इसी का दूसरा नाम था पहले ये दूसरी एंटी दूसरी बॉडी थी नाकास बोलते थे नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको बंद करके अब एक नया कमेटी बनाया गया जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जिसका काम है सी इंस्टीट्यूट का उंगली करना इसका सिर्फ एक ही काम है सीए का काम सही से हो रहा है कि नहीं ए सही से बन रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है कि नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चोरी कर रहे हैं क्या चोरी करने में हेल्प कर रहे हैं ये देखते रहना इनका काम है ईसीआई फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं सो so दैट हम लोग डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस से बच सके एक स्टैंडर्डाइजेशन ला सके ताकि सारे कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सेम सेम इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके अगर आपको बचपन में याद हो एक टॉपिक पढ़ाते थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसमें चार कैरेक्टरिस्टिक होती थी रेलिवेंट रिलाएबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी कंपेरेबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी कंपेरेबिलिटी ये सब तभी आएगा जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे एक कंसिस्टेंट प्रिंसिपल से आप अपने अकाउंटिंग बुक्स uh, बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे नहीं तो वो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है उस रिलायबिलिटी को एनहांस करने के लिए कंपेरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक सिंगल रूल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल दी कंपनीज ऑल दी एंटिटीज वो लाना बहुत जरूरी था जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के चार प्रॉब्लम्स का आंसर अपने पास रखते हैं चार प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग में आती है उन चारों प्रॉब्लम का आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तब आपको मिल जाता है लिखना नहीं है सब कुछ बुक में लिखा हुआ है क्योंकि आज कुछ लोगों के पास बुक नहीं है इसीलिए मैं बुक रेफर नहीं कर रहा हूं आज आप लोग बुक ले लीजिएगा हाँ और अगर ऑनलाइन में किसी को बुक नहीं भी मिला है चिंता करने का दरकार नहीं है सब कुछ आपको मिल जाएगा मैंने ऐप के अंदर पीडीएफ अपलोड कर दिया पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पे आप आराम से उसको देख सकते हो तब तक आपके पास बुक्स आ जाएंगी आप लोग बुक्स ले लीजिएगा कल से आपको बुक लेके आना है कल से आपको बुक लाना है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ 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 एक बार खोल के देखना उसमें बेसिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखाई देगा आपको ठीक है अभी नहीं बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम का आंसर सोल्यूशन है अकाउंटिंग में चार प्रॉब्लम आपको टाइम टू टाइम देखने मिलती है उन चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है चार प्रॉब्लम है पी एम आर डी हम लोग अपने टाइम में याद करते थे हमारे एक सर थे जिनका नाम था एम मनीष राज धंधारिया सर थे हमारे समय पढ़ाते थे कॉस्ट पढ़ाते थे एमआरडी सर तो हम लोगों को एम सर याद रहते थे और पी आगे लगा देते थे हम पी एम प्रोफेसर एम तो हमारे समय वो था आप तुम लोग कुछ और बना लो देख लो क्या बनाओगे मर्द विदाउट ए एंड अ पी ए चलो चलो आगे नहीं चलो इधर 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 इधर, इधर।, इधर। पी फॉर for... क्या हुआ कुछ नहीं दीदी हम लोगों के चार प्रॉब्लम्स के आंसर करता है चार प्रॉब्लम्स के आंसर पी फॉर प्रेजेंटेशन एम फॉर मेजरमेंट आर फॉर recognition डी फॉर disclosures कोई भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होता है ना उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है इसको रिकॉर्ड किया जाए या नहीं किया जाए किया जाए कब रिकॉर्ड किया जाए कैसे रिकॉर्ड किया जाए किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए सबसे पहला प्रॉब्लम हमेशा होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कि भैया अगर कोई ट्रांजैक्शन इवेंट हमारे बिजनेस में हुआ है तो उसको नंबर वन कब रिकॉर्ड करें नंबर टू कैसे रिकॉर्ड करें नंबर थ्री किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें ये जो ट्रांजैक्शन का रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम है किस ट्रांजैक्शन को कब और कैसे रिकॉर्ड किया जाए ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉल्व करेगा जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन वो आपको बताएगा कि एक एंटिटी को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू की कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाए सर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाए इसमें बड़ी बात क्या है एक रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए सौ इवेंट्स होते हैं पचास इवेंट्स होते हैं तब जाके एक रेवेन्यू बनता है से फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी रेडीमेड गारमेंट बना के बेचती है अब रेडीमेड गारमेंट बना के बेचने के लिए उसको कितने सारे काम करने होंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना होगा मटेरियल खरीद के उसको में ले जाना होगा अल्टीमेटली आप तो आपके पास जो माल आपने बेचा उसका रियलाइजेशन आपको हुआ क्वेश्चन अगर इतने सारे इवेंट हुए हैं एक रेवेन्यू से रिलेटेड मैं इस रेवेन्यू को किस इवेंट पर रिकॉर्ड करू क्या मैंने जिस दिन फिनिश गुड्स बना लिया उसी दिन रिकॉर्ड कर लू क्या फिनिश गुड जिस दिन डेटर को दिखाया उस दिन रिकॉर्ड कर लूं जिस दिन उसको दिया उस दिन रिकॉर्ड करूं जिस दिन उसने पैसे दिए उस दिन रिकॉर्ड करूं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ट्रांजैक्शन को किस दिन रिकॉर्ड किया जाए टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन अब रिकॉर्ड करूं तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं मान ले सौ तो रुपए का शर्ट था बेचा एक सौ बीस रुपए में सौ में रिकॉर्ड करूं एक सौ बीस में रिकॉर्ड करूं या बीस रुपया ही सिर्फ रिकॉर्ड करूं कि भैया बीस रुपया प्रॉफिट हुआ बीस रुपया रिकॉर्ड कर लो क्या रिकॉर्ड करूं बताओ तो सही तो ये आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ एंड इवेंट्स इन फाइनेंशियल दूसरा प्रॉब्लम होता है मेजरमेंट का जो मैंने बोला ना किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करे वैल्यू वैल्यू कौन सा वैल्यू पे मेरे को ट्रांजैक्शन इवेंट्स को मेजर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय वो वैल्यूएशन हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन बोलता है रेवेन्यू जब भी रिकॉर्ड होगा हमेशा ग्रॉस अमाउंट पर रिकॉर्ड होगा किस अमाउंट पर ग्रॉस अमाउंट मेरे को बता सौ रुपए में शर्ट बनाया एक रुपए में बेचा बीस रुपए का प्रॉफिट हुआ जब मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा कितने पर रिकॉर्ड करूंगा आप लोग पढ़ के आए हैं फाउंडेशन इलेवन ट्वेल्व सौ बीस या एक सौ बीस एक सौ रुपए रिकॉर्ड होगा आज तक जब भी तो किया है, तो वो 120 पर रिकॉर्ड करना है। ये आपको कौन बताया ए एस नाइन बताया ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है नहीं सर हमको तो हमारे सर बताए थे सर भी वहीं से पढ़ के बताए थे क्योंकि वही तो रूल है जो बताता है कि तुमको 120 पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर मान ले वहां वो बात नहीं बताई जाए

मैं एक फ्लाइट फ्लाइट की टिकट्स बुक करने वाला एजेंट हूँ बुक करने वाले एजेंट मैं क्या करता हूँ कस्टमर्स के बिहाफ में फ्लाइट्स में टिकट बुक करता हूँ और उस पर मैं उनसे कमीशन लेता हूँ सिर्फ फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे पास आए मेरे को कैलकटा से सूरत जाना है मैंने तुमको बोला प्राइस छह हजार दो सौ रुपया तुमने बोला बुक कर दीजिए अब छह हजार रुपया दो सौ रुपया तुम मेरे को दोगे छह हजार रुपया हम कंपनी को दे देंगे जिससे टिकट बनाए उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा और दो सौ रुपया हम अपने पास रख लेंगे क्वेश्चन राइजेस अब जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करें कितने का रिकॉर्ड करें 6200 या 6200 मैं तीन वर्ड बोला 6000 200 या 6200 6200 यही रॉन्ग आंसर है 200 यह सही आंसर है अभी दो मिनट पहले आप बोले ग्रॉस अमाउंट फिर आगे भी बोलता है कि अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट योर रेवेन्यू जो आप 6200 कलेक्ट किए उसमें से 6000 आप किसको दे देंगे

अविनाश अविनाश क्या कर रहा था क्या वो इंडिगो से टिकट खरीद रहा था नहीं अविनाश इंडिगो का एक एजेंट था जो टिकट कस्टमर को बेच रहा था इंडिगो के बिहाफ पर अविनाश कोई रिस्क नहीं ले रहा था बोला कस्टमर आएगा तो इंडिगो का माल चिपका देंगे नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बोला सर टिकट नहीं बिका तो वो इंडिगो समझेगा यार मेरा कोई रिस्क नहीं है मेरा सिर्फ काम है अगर कोई कस्टमर आए तो इंडिगो को दो ताकि मेरे को भी कमीशन मिले अब टिकट पांच हजार पांच सौ का था इंडिगो का या छह हजार का था मैंने कस्टमर को बेचा छ हजार दो सो में कस्टमर ने मेरे को छ हजार, हजार को दो सो दिया मैं छह हजार इंडिगो को देकर दो सौ रुपया अपने पास रख लिया तो यहां पे जब मैं एजेंट की तरह काम कर रहा था ना मैं छह हजार रुपया जो होल्ड कर रहा था दैट वॉज नॉट फॉर मी दैट वॉज फॉर इंडिगो आई वॉज होल्डिंग दैट वॉज एन अमाउंट विच वॉन्स टू बी पेड टू अ थर्ड पार्टी

पहुंचा पहुंचा मतलब बहुत खराब बाजे मतलब ठीक है सर हमारे जैसे तो यहां पे आप छह हजार देखो क्या हुआ सेकंड में इंडिगो अविनाश कस्टमर अविनाश ने इंडिगो से टिकट खरीद ली पहले ही कितने में पांच हजार पांच फिर ये टिकट कस्टमर को बेची छह हजार दो अविनाश अब जब इनकम लिखेगा 6200 लिखेगा अविनाश का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 6200 सेल्स 5500 हजार पांच सौ खर्चा सात सौ रुपए का प्रॉफिट पड़ता है 700 सीधा दिखाओ या 700 ऐसे दिखाओ बहुत फर्क पड़ता है आपका औकात पता चलता है आपके बिजनेस का लेवल पता चलता है आज के दिन जितना वैल्यूएशन करा रहे अमेजोन का वैल्यूएशन बाई जूस का वैल्यूएशन इसका वैल्यूएशन उसका वैल्यूएशन अगर ये प्रॉफिट्स के बेसिस पे वैल्यूएशन कराने लगेंगे ना नेगेटिव तो वैल्यूशन रहेंगे हमारे लिए सिर्फ 700 का प्रॉफिट मैटर नहीं करता हमने कितने रुपए का माल बेचा है कभी कभी वो भी मैटर करता है आगे जाके सीखेंगे टॉप लाइन क्या बोलते हैं लाइन प्रॉफिट को बोलते बॉटम लाइन मेरी 200 करोड़ की सेल्स है 190 करोड़ में माल खरीदा प्रॉफिट बता 10 करोड़ एक ये आपको दिखाई दिया एक आपको ये दिखाई देगा एक आदमी ने अस्सी करोड़ का माल बेचा सत्तर करोड़ में खरीदा था दस करोड़ उसका प्रॉफिट है ऐसे तो बॉटम लाइन देखोगे तो दोनों का औकात सेम दिखाई देगा बट रियल में बताऊं वैल्यूएशन कराने जाओगे ना वैल्यूएशन इसका वैल्यूएशन काफी बड़ा बोला ये आदमी दो करोड़ का माल बेच रहा है मतलब ये कितने सारे कस्टमर्स है इसके पास ये कितना बड़ा धंधा कर रहा है आज हो सकता है कम मार्जिन में बेच रहा है कॉम्पिटिशन है बट अगर ये ऐसे ही चलता गया कस्टमर बढ़ाते गया और थोड़ा सा इसके इसको चांस मिला तो सोचिए कितना स्केल अप कर पाएगा ये अपना 80 करोड़ का माल बेच रहा है लिमिटेड लोगों को लिमिटेड लोगों को बेच रहा है जिस जगह में बेच रहा है वहां पे थोड़ा मार्जिन कमा पा रहा है बोल के दस करोड़ बच रहा है इसका अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा बट इसके पास उतना बड़ा कस्टमर बेस नहीं है तो इसको हिट लगेगा जोर का बट अगर इसको देखोगे ना इसको इसके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है कि थोड़ा सा अगर एक परसेंट दो परसेंट भी प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो ये बहुत तेजी से भागना शुरू कर देगा तो अगर मैं यहां पे छह हजार दिखाता हूं छह हजार दो सो या यहां पे दो सौ रुपया दिखाता हूं उससे बहुत फर्क पड़ता है अल्टीमेटली हो सकता है लास्ट में प्रॉफिट तेरा दो सो ही रहे बट वो छह हजार दो सौ माइनस छह हजार या दो सौ माइनस जीरो बहुत बड़ा फर्क है लोगों को समझ में आएगा आप कितना बड़ा धंधा कर रहे हो आप कितना बड़ा एसेट्स मैनेज कर रहे हो वो भी तो एक धंधे का लेवल है खाली प्रॉफिट इज नॉट धंधा बहुत लोग होते हैं बहुत सारा माल बेचे बहुत सारा माल बेचे कम प्रॉफिट कमा रहे हैं अभी बट वो जिस दिन स्केल अप करेंगे ना जिस दिन उनका टाइम आएगा थोड़ा सा कॉम्पिटिशन इधर उधर होगा वो जोर से आगे भागेंगे क्योंकि उनके पास उतनी ताकत है उतना नेटवर्क है उतना कस्टमर है उतना बेस है उनको भागने में समय कल मान लो वो नया कस्टमर नया कोई चीज लॉन्च करेंगे तो सोच कितना सादा कितना सारा एक, जर, एक बार में चला जाएगा लोगों के पास ये ब्लिंकिट वगैरह करके क्या किया अपना कस्टमर बेस में और माल पहुंचाया हो सकता है प्रॉफिट नहीं कमा रहा हो पहले कस्टमर बेस बहुत बड़ा था उससे फायदा क्या हुआ जिस दिन ब्लिंकिट लॉन्च हुआ ना एक मिनट में सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गया और आज आप देखो ब्लिंकिट आप जोमैटो से ज्यादा यूज कर रहे हो वो एक्विजिशन इसीलिए किया बोला मेरा कस्टमर बेस हम जानते हैं वो क्या खाता है क्या पीता है हमको पता है तो उसको क्या चाहिए वो सब हमको पता है हमको सिर्फ उनके घर तक पहुंचाना है बहुत बड़ा फायदा होता है और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आप सेल्स छह हजार दो लिखो या छह हजार लिखो या 200 लिखो अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सही से ना बता पाएंगे ना समझ पाएंगे मान लो ऐसा हुआ अविनाश ने गुड्स बेचा से फॉर एग्जाम्पल चवन को सौ रुपए का प्राइस अठारह रुपए का जीएसटी एक सौ अठारह रुपए का ड्रॉ किया अविनाश सेल्स कितने पर दिखाएगा सौ पर अठारह पर एक सौ अठारह पर एक सौ अठारह इज अ रॉन्ग आंसर वापस क्यों रॉन्ग सर अठारह रुपया तुम घर ले जा पाओगे अठारह रुपया तो तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा तो तुम गुड्स के अगेंस्ट कितना ले रहे हो तो तेरी सेल्स कितनी है अब कोई आदमी अगर 118 सौ सेल्स दिखा रहा है लग तो रहा है कितना माल बेच रहा है बट ये नहीं समझा पाओगे लोगों को कि अठारह रुपया मेरा है ही अगर ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स ना बनाए गए तो हर जन तो अपने हिसाब से चीजों को दिखा देंगे हर जन अपने हिसाब से चीजों को दिखा देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन क्या कर रहा है 18 परसेंट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मैं पांच करोड़ का सेल कर रहा हूं से फॉर एग्जांपल उसमें 18 परसेंट जोड़ के तुमको बताऊं तो सेल एक मिनट में छह करोड़ का हो जाएगा एक्चुअल में मैंने बच्चों से छह करोड़ ही कलेक्ट किया है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है एक करोड़ रुपए की बट वो एक करोड़ मेरा नहीं है वो एक करोड़ तो मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ में होल्ड कर रखा है जो मेरे को गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा वो मैं अपने पास कोई हाल में रख नहीं सकता मेरा सर्विस दे के मेरे को कितने का रेवेन्यू हुआ पांच करोड़ रुपए का मैं पांच करोड़ ही रेवेन्यू लिखूंगा क्या आपको लगता है ये रूल जरूरी है अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है आप भी गलतियां करेंगे सर कर ही है तीन एग्जाम्पल में तीन अलग अलग आंसर तीनों बार हम लोग रॉन्ग हो जाएंगे तो वो रूल्स होने जरूरी है एंड वो रूल्स आपको पता होने होंगे तभी जाके आप सही अकाउंटिंग कर पाएंगे नहीं तो नहीं अकाउंटिंग कर पाएंगे तुम इतना बड़ा बात बात छोड़ तुम 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 छोटा सा बात सोच तो मान ले एक उबर का गाड़ी चलाता है। तुम ही ओनर है, तुम ही गाड़ी चलाता चलाता है 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 ही ही ओनर तुमने पूरे दिन में तीन हजार रुपया कलेक्ट किया कस्टमर से उबर की राइड देकर तीन हजार कलेक्ट किया क्या घर जाके दिन में दिन के एंड में बोलोगे तीन हजार मेरी आज की कमाई हुई क्योंकि तीन हजार में पच्चीस परसेंट साढ़े सात सौ रुपया तो उबर को देना ही है वो तुमको पता है पहले से कि ये पैसा तो हम अपने पास रख ही अगर मेरे पास आज है भी तो मतलब मेरी ये कमाई नहीं है मेरे को देना पड़ेगा महीने के एंड में हिसाब करेंगे तब तो तीन हजार अपनी रेवेन्यू सोच के उस हिसाब से अपनी अपनी इनकम को आंकना और दो हजार दो सौ पचास रेवेन्यू सोच के इनकम को आंकने में बहुत फर्क है कि नहीं पच्चीस का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा होता है अभी यही तीन हजार के पीछे मैं दो वर्ड लगा दू सी हजार करोड़ अब तीन हजार करोड़ और दो हजार दो सौ पचास करोड़ में बहुत बड़ा फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क दिखने लग जाएगा अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे हमको किस वैल्यू पे मेजर करना है किस वैल्यू पे दिखाना है तो सेकंड वो हमको रूल्स प्रोवाइड करता है मेजरमेंट किस वैल्यू पे किया जाएगा कोई भी चीज इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी किस वैल्यू पे मेजर किया जाएगा वेल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट पीएल अकाउंट्स ऑफ दंपनी वो हमको बताएगा तीसरा होता है प्रेजेंटेशन कि भैया हमने अकाउंट फॉर कर लिया रिकॉगनाइज कर लिया किस वैल्यू पे मेजर करना था सब कर लिया अब बताइए लोगों को बताना कैसे, दिखाना कैसे से फॉर एग्जाम्पल हम ये ऐसे दिखाए हम ये ऐसे दिखाए 6200 हजार दो सौ का सेल्स 6000 हजार का खर्चा दो सौ का इनकम या फिर ऐसे दिखाए

क्या इनके बारे में कोई और बातें हैं जो मेरे को अपने स्टेक होल्डर को बतानी है क्या कुछ और एडिशनल डिस्कलोजर्स करने हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है आप बता दीजिए हम वो आपको पहुंचा देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स की चार प्रॉब्लम्स को चार मेन प्रॉब्लम्स को आंसर करने की कोशिश करता है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मेजरमेंट ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नंबर फोर डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू दम कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे कोई भी चीज आप पढ़ेंगे आपको इन चारों में से ही कोई ना कोई सोल्यूशन वहां पर दिखाई देगा जैसे मैं अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू पढ़ूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बचपन में भी बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अब वो मेरी इस प्रॉब्लम क्या चीज की सॉल्व करेगा इन्वेंट्री जब ईयर एंड में बैलेंस शीट में दिखाएंगे ट्रेडिंग में दिखाएंगे वो किस वैल्यू पर मेजर होनी चाहिए तो वो मेजरमेंट की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करेगा इन्वेंट्री से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन्वेंट्री किस वैल्यू पे दिखाया जाए जितना दाम में खरीदे थे उतना दाम में दिखाए या जिस दाम में बेच पाएंगे उस दाम पे दिखाए या दोनों में एवर इज लोअर सर बताइए किस पे दिखाना है वो मेरी ए एस टू प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ट्वेंटी अर्निंग पर शेयर बोलता है अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करना पड़ता है तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे करें मेजर कैसे करें ए ट्वेंटी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा के 18 एटीन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर वो बोलता है अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके बारे में अपने स्टेक होल्डर्स को बताइए वो बताएगा डिस्क्लोजर कैसे करना है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन सर क्यों करना है डिस्क्लोजर अलग से क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में दूसरों के साथ ट्रांजेक्शन करते हो हो सकता है उनके टर्म्स और कंडीशन कुछ डिफरेंट हो मान ले तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान है एक बार के लिए मान लो तुम्हारी शादी हो गई है तुम्हारी बीवी है दो हो या तो पैसा नहीं देगी या पैसा नहीं दिखाएंगे तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा एक काम करते हैं ना हम तेरे को देते हैं तुम तो पैसा बाद में मत देना बाद में बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दे क्योंकि होना ही बैड डेट है दीदी बोल रही हाँ हा, क्या बात है दीदी ऐसे मत बोलिए आप लोग दीजिए पैसा सुनिएगा तो मैंने क्या किया ज्वेलरी खरीदा शौक अच्छे हैं पांच करोड़ रुपए का ज्वेलरी साल में वाइफ को वाइफ को वाइफ ने खरीद लिया अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको रेवेन्यू दिखा दू क्यों रेवेन्यू दिखा दू रेवेन्यू दिखा दूंगा तो मेरा टॉप लाइन इंप्रूव रहेगा खराब नहीं होगा हो सकता है मार्जिन थोड़ा कम ही जोड़ा हो प्रोफिट थोड़ा कमी बट टॉप लाइन मेरा इंप्रूव रहेगा और बाद में क्या करूंगा पैसा नहीं देगा बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दूंगा अगर ये ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन आप करोगे और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे सिर्फ पांच करोड़ सेल्स में दिखा के छोड़ दोगे तो लोगों को बाद में पता चलेगा करोड़ का नुकसान और वो गाली करेंगे तुम्हारे साथ साथ बोला अगर रिलेटेड पार्टी के किया है तो आपको डिस्कलोजर करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है उन ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन हो जो नॉर्मली आप टर्म्स कंडीशन नॉर्मली रखते नहीं हो तो आप बताओ कि क्या टर्म्स कंडीशन और क्या ट्रांजेक्शन आपने किया है अगर ये नहीं बताएंगे तो सही इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को देना विल नॉट बी पॉसिबल इसीलिए हमको बताना पड़े ये चार प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको प्रोवाइड करेगा और यही हम लोगों को पढ़ना है सीखना है कैसे हम इन अकाउंटिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो चार का एक बार वर्ड का नाम बता दे प्रेजेंटेशन मेजरमेंट रिकॉग्निशन डिस्क्लोजर ऐसे बोलने से सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले कब रिकॉर्ड किया जाएगा रिकॉग्निशन के बाद मेजरमेंट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा अब रिकॉर्ड कर लिया तो प्रेजेंट कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और उसके बाद क्या डिस्क्लोजर करना है लिखेंगे तो पहले रिकोगशन लिखना चाहिए क्योंकि वो पहला इवेंट है जो आपको सीखना है उसके बाद फिर मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बातें आएंगी कोई चीज को रिकॉग्नाइज करना ही सीखेंगे नहीं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेगा

बोलिए दीदी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब मैं छुट्टी दे रहा हूं आप लोग जा सकते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम पर इसी जगह पर पूछना नहीं है बार बार सुन ले कोई दिन अगर छुट्टी होगा तो मैं बताऊंगा क्लास होगा तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा मतलब क्लास होना है ये तो पक्का है नहीं होगा तो सर बता देंगे तो प्लीज ग्रुप में मत लिखिएगा कल क्लास है क्या आई वॉन्ट आंसर ऑल दो क्वेश्चन आपको कल आना है डेढ़ बजे क्लास होगी हम लोग मिलेंगे कुछ होगा चेंज तो वो मैं बताऊंगा पूछना नहीं है बुक थर्ड फ्लोर से मिलेगा इस इस स्टेर से उतरेगा ना पीछे वाला स्टेर से तो सीधा ऑफिस में आज के लिए सिर्फ इतना ही ऑनलाइन बाय बाय, ट्वेंटी सेवन आज के दिन ट्वेंटी सेवन टोटल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन प्लस सिक्स पढ़ने हम लोग को वैसे एक सेकेंड दी